Drop it. एम ऑडिबल, क्या आपको आवाज आ रहा है? क्या बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो। चलो, क्या आपको आवाज आ रहा है मेरा? यस और नो? क्या आपको आवाज आ रहा है? क्या बोलो जल्दी से फटाफट। चलो स्टार्ट करना है ना एकदम जोरदार आज का लेक्चर, सही है? क्या आपको आवाज आ रहा है? क्या सिर्फ मुझे इतना बोल दो कि आपको आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एकदम प्रॉपरली हर एक चीज हो रहा है। बोलो जल्दी से, स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत? ओए स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से फटाफट बोलो। चलो फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो मुझे। स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, कोई टेंशन कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से फटाफट। आज हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, राइट? और आज का जो भी लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में अपन मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे आपके फाइनल अकाउंट्स के, सही है? तो क्या आपको आवाज वगैरह आ रहा है ना एकदम प्रॉपरली? मुझे एक ही बार बोल दो, तो फिर बार 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 नहीं पूछूंगा, ठीक है? आ रहा है ना एकदम अच्छे से आवाज? यस और नो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो। चलो एकदम जोरदार सब लोग। मुझे ऐसा लगना चाहिए, मालूम है क्या, कि आप सच में पढ़ने के लिए आ रहे हो ना? आपको बहुत ऐसे मतलब एक्साइटमेंट हो रही है पढ़ने की, ऐसा फीलिंग मुझे आना चाहिए आपको पढ़ाते टाइम, राइट? यस और नो? चलो तो मैं स्टार्ट करूं क्या? बोलो जल्दी से गाइस, मैं स्टार्ट करूं फटाफट आज का पढ़ाना, स्टार्ट कर दूं क्या? बोलो जल्दी से, ठीक है? चलो, आई होप सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, राइट? यस और नो? तो दोस्तों, अपना जो भी लास्ट लेक्चर था, सही है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था बोलो? आज एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ पे अभी टाइम पास करना नहीं, एकदम अच्छे से अपन कंप्लीट करेंगे, जोरदार पढ़ेंगे, सही है? अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है? देखो दोस्तों, बात यह है कि कल की अपनी जो भी कहानी थी, सही है? तो कल के कहानी में अपन ने क्या देखा रे? तो हमने जो भी आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है, सही है ना? तो मैंने आपको क्या बोला था बोलो, कि जब भी मुझे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है, तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के केस में मुझे 3 चीजें बनानी पड़ेगी, राइट? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर मैंने आपको क्या बोला था बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और फिर मैंने आपको क्या बोला था बोलो, यस हमको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, राइट? ये 3 चीजें हमको बनानी पड़ेंगी, ऐसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था, सही है? अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। और उसके बाद हमने क्या किया था दोस्तों, तो उसके बाद हमने जो भी आपका 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, तो मैंने आपको कल भी ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया था। और मैंने आपको इसके साथ साथ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट बता दिया था। यस और नो मुझे रिस्पॉन्स करो, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, सही है? और इसके बाद दोस्तों हमने जो भी आपका बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट भी हमने देख लिया था। यस और नो? हमने बैलेंस शीट भी कल के लेक्चर में देख लिया था, सही है? तीनों चीजें अपन ने कल के लेक्चर में की थी, राइट? और उसके बाद अपन ने क्या किया था बोलो, तो मैंने आपको कल बोला था दोस्तों कि आपको क्या करना है, जो भी ये एडजस्टमेंट दिया ना आपको यहाँ पे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का इफेक्ट दिया है, प्रीपेड है ना, तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिए है उन्होंने एडजस्टमेंट, वो हर एक एडजस्टमेंट आपको पढ़ के आना, ये मैंने आपको बोला था, राइट? तो आप मुझे जल्दी से बोलो दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने जो भी मैंने बोला वो पढ़ा, प्लीज मुझे बोलो। आप में से कितने लोगों ने मैंने जो भी बोला वो पढ़ा आप लोगों ने, प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो। चलो मैं वापस बोल रहा हूँ, जब भी अपन प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना गाइज, तो आपको हर एक चीज समझ जाएगा, ठीक है? ऐसा एक भी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा कि जो आपको नहीं समझा, ठीक है ना? लेकिन आप मुझे इतना बोलो सिर्फ कि मैंने आपको कल बोला था ना इतना पढ़ के आओ करके, तो आपने उतना पक्का पढ़ा क्या रे? प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो, आपने उतना पढ़ा क्या? बोलो जल्दी से। चलो बहुत अच्छी बात है ना, आई होप आपने जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा आपने पढ़ा होगा, जो भी मैंने आपको बोला था आपने पढ़ा होगा, सही है? अभी ना दोस्तों ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो एक काम करते गाइस, एक काम करते अपन, यहाँ पे ना एक आपका कॉन्सेप्ट है, राइट? यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है दोस्तों हिडन एडजस्टमेंट। क्या है बोलो? हिडन एडजस्टमेंट नाम का यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सही है? तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये एडजस्टमेंट को सेपरेटली पढ़ने से अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली अपन जो भी आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, सही है? और वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको क्या करूंगा, हर एक एडजस्टमेंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका इफेक्ट ऐसा क्यों आया है, ध्यान में आ रहा है क्या? क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट बोलूंगा ना, शायद आपको वो नहीं समझे, ठीक है? तो अपन डायरेक्टली क्या करते दोस्तों, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने को लेते, डायरेक्टली क्या करते बोलो, अपन क्वेश्चन सॉल्व करने को लेते, चलेगा? तो जल्दी से सब लोग नोटबुक निकालो, चलो फटाफट एकदम जल्दी से सब लोगों के हाथ में मुझे नोटबुक चाहिए, एकदम फास्ट जल्दी से सब लोगों के हाथ में मुझे नोटबुक चाहिए, एकदम फटाफट फटाफट, ठीक है? जल्दी जल्दी फटाफट नोटबुक लो, चलो हाथ में जल्दी जल्दी फास्ट एकदम जल्दी जल्दी नोटबुक लो, चलो फटाफट नोटबुक लो जल्दी से आप आपके हाथ में फटाफट एकदम, ठीक है? चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? अच्छा आप मुझे एक बात बोलो,
आपके पास ये अपने एकेडमी के नोट्स है ना, मैंने आपको कल ये ग्रुप पे सेंड किए थे, राइट। मैंने आपको कल ही ये नोट्स ग्रुप पे सेंड किए थे। अगर आपके पास किसी के पास होंगे तो प्लीज आप एक बार अपने ग्रुप के ऊपर एक बार सेंड कर देना, ठीक है। अपने ग्रुप के ऊपर एक बार वापस एक बार प्लीज रिसेंड कर देना, तो जिसके वजह से जिसके पास भी नहीं रहेंगे तो वो क्या कर पाएगा, उसको रेफर कर पाएगा, सही है। क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे यहाँ पे स्टाफ नहीं दूसरा आज कोई भी, ठीक है। तो अभी जो भी है मुझे ही देखना पड़ेगा, राइट। तो प्लीज आप में से अगर किसी के पास अगर ये नोट्स रहेंगे पीडीएफ के, तो आप प्लीज एक बार अपने ग्रुप के ऊपर शेयर कर दो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो क्या सब लोग रेडी हो क्या, बोलो जल्दी से गाइस। सब लोग रेडी हो क्या, बोलो पढ़ने के लिए, यस और नो, मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए। सब लोग रेडी हो क्या, बोलो जल्दी से, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स करो। चलो एकदम अच्छे से पढ़ना है ना आज हमको। आज अपने को कम से कम 4 इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने, आज का टारगेट कितना है अपना, 4 इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना। कल के 4 आपके इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपका आज के लेक्चर में ध्यान रहेगा तो आपके 12 मार्क ये फिक्स हो जाएंगे। अगर आपका आज के लेक्चर में ध्यान नहीं रहेगा तो आपके 12 मार्क डूब जाएंगे, सही है। तो ये आपका चॉइस है, आपको क्या करना है, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से मुझे यहाँ पे आपका पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। मुझे आपका यहाँ पे 100% पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सही है। तो जल्दी से आ जाओ दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से आ जाओ मेरे यारो आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे, फटाफट फटाफट आ जाओ, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी देखो मेरे यारो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दिया दोस्तों हमको, दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1, सही है। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि हमारा जो भी पार्टनरशिप है, हमारे पार्टनरशिप में दो लोग पार्टनर है, कौन से बोले जल्दी से, मुझे सब लोगों का रिस्पॉन्स है यार। देखो अभी आपको लिखना नहीं तुरंत, अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक जो भी आपने नोट्स है वो हाथ में लेने हैं और आपको पेंसिल हाथ में लेना है, सही है। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जब भी मैं आपको बोलूंगा ना आप लिखो करके, वही टाइम पे आपको लिखना जरूरी, ध्यान में आ रहा है क्या। मैं वापस बोल रहा हूं, जब तक मैं आपको बोलता नहीं आप लिखो करके, तब तक आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। यस, तो आपके हाथ में मुझे अपने अकेडमी के नोट्स जो भी वो चाहिए, उसके प्रिंटआउट चाहिए और साथ साथ में पेन या पेंसिल चाहिए, ठीक है। चलो अभी देखो दोस्तों जल्दी से यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे कौन से लोग पार्टनर है प्लीज मुझे बोलो। यहाँ पे दो लोग पार्टनर है, कौन से बोलो, पहला यहाँ पे दया और दूसरा है दोस्तों क्षमा, सही है। और ये जो भी प्रॉफिट शेयर कर रहे, ये कैसे शेयर कर रहे बोलो, तो ये शेयर कर रहे दोस्तों इन द रेशियो ऑफ 1:1, राइट। मतलब वहां पे आप लिख के लो 1:1, मतलब क्या, वो कैसे शेयर करेंगे बोलो, इक्वली शेयर करेंगे मेरे रो, कैसे शेयर करेंगे बोलो, वो इक्वली शेयर करेंगे, सही है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, वो आगे देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, जैसे 11th स्टैंडर्ड में अपने प्रोप्रेटरशिप का फाइनल अकाउंट बनाया था कि नहीं बनाया था बोलो, बनाया था राइट, वैसे सेम टू सेम हमको क्या करना है बोले, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर करना है, सही है, यस और नो, ओके। अभी आप मुझे बोलो यहाँ पे कौन से ईयर एंड का हमको ये सब करना है बोलो, तो हमको करना है दोस्तों यहाँ पे 31st March 2019 का, कौन सा करना है बोलो हमको जल्दी से, 31st March 2019 के एंड का हमको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमको यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। क्या सब लोगों का ध्यान है क्या, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, क्या सब लोगों का ध्यान है क्या, यस और नो, मुझे एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान दो मेरे यारों मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आगे क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019, ठीक है, उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अभी देखो दोस्तों मुझे आपके हाथ में ना पेंसिल चाहिए, आपके हाथ में क्या चाहिए, मुझे कंपल्सरीली पेन या पेंसिल चाहिए, कंपल्सरीली मुझे आपके हाथ में पेन या पेंसिल चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास प्रिंट आउट रहेंगे तो आपको साथ साथ में मेरे साथ लिखना है ये नोट्स के ऊपर, ठीक है। अभी आप मुझे बोलेंगे, देखो ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है राइट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का, सही है। तो अपन ये प्रॉब्लम एकदम आराम आराम से एकदम धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर अपन धीरे धीरे आराम आराम से किया ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि हमको करना क्या है, राइट। और फिर वो हिसाब से आप क्या करो दोस्तों, अगले प्रॉब्लम का अपन थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम के लिए मुझे सबसे सबके हाथ में मुझे पेंसिल या पेन चाहिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखो सबसे पहले दोस्तों आपका मुझे एक बात बोलो, हमको जो भी यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, हमको जो भी क्या करना है बोलो, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, मतलब क्या बनाने बोलो, हमको जो भी हमको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट
जो भी हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमको यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है ना, तो ये हमको कब का बनाना है बोलो, हमको बनाना है दोस्तों 31 मार्च 19 का। कब का बनाना है बोले दोस्तों, हमको बनाना है यहाँ पे 31 मार्च 19 का, सही है। अभी आप मुझे बोलो ना, अगर हमको ये केस में जो भी आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, जो भी हमको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये अगर 31 मार्च 19 का बनाना होगा, इसका मतलब क्या आप मुझे इसका अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हो क्या? क्या आप मुझे इसका अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हो क्या? बोलो यस। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा मेरे यारो, इसका हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या रहेगा बोलो, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, सही है। अभी आप मुझे बोलो ना, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 19, आपको समझ गए राइट? तो वो क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि हमारा 1 अप्रैल 19 को स्टॉक था हमारे पास, क्या था बोलो, 1 अप्रैल 18 के पास, 18 को हमारे पास क्या था बोलो, स्टॉक था राइट। तो हमेशा रखना दोस्तों, जो भी ये आपे दिया है ना, ये अपना ओपनिंग स्टॉक है मेरे यारो, क्या है बोले दी से आपने, ये ओपनिंग स्टॉक है, सही है। और ये जो भी ओपनिंग स्टॉक रहता है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता है आप मुझे बोल सकते हो क्या? चलो आपको आना चाहिए, सब लोग अभी टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, एकदम जोरदार पढ़ेंगे आज अपने को पूरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का। ऑलमोस्ट मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि आपको हर एक चीज आ जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के कोई भी, दुनिया में का कोई भी कोर्नर में से कोई भी अगर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आपको सॉल्व करता है, मेरा वादा है, सही है। सिर्फ जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे आपको मुझे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है ना। तो मुझे जल्दी जल्दी बोलो दोस्तों कि ये जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक ये कहां पे जाता है बोलो, यस, ओपनिंग स्टॉक दोस्तों हमेशा जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो वहां पे लिख के रखो टीडी, वहां पे लिख के रखो आप टीडी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए, इसलिए वहां पे लिख के रखो टीडी, फटाफट लिखो, ठीक है। आगे अभी ध्यान देना, अगला कौन सा आइटम है दोस्तों, अगला आपका आइटम है बिल्स रिसीवेबल, सही है। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या रहे, जो भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा उसके अगेंस्ट हमको पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो अब भी फॉरदर जब भी अपन बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टाइम पे मैं आपको इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, सही है। अब भी फॉर द टाइम इतना याद रखो दोस्तों कि बिल्स रिसीवेबल जो भी ना, ये हमारा करंट एसेट होता है, क्या होता है बोले जैसे मेरे यारो, बिल्स रिसीवेबल जो भी हमारा करंट एसेट होता है, सही है। और करंट एसेट मतलब ये हमारा जाएगा दोस्तों बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कहां पे जाएगा बोलो मेरे यारो जल्दी से, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। फटाफट जो भी मैं नोट्स के ऊपर लिख रहा हूं आपको वो कंपल्सरी लिखना जरूरी है, आपको वो कंपल्सरीली लिखना है, ठीक है। चलो यहां तक हुआ कह रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना, अभी अगला है दोस्तों आपका, अगला है आपका दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, वेजेस एंड सैलरी, क्या बोले जिसे आगे आपका वेजेस एंड सैलरी लिखा है, सही है। अभी हमेशा रखना दोस्तों, जो भी वेजेस एंड सैलरी होता है ना वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, क्या है बोलो, हमेशा रखना। जब भी स्टार्टिंग में वेजेस रहेगा ना, स्टार्टिंग में वेजेस है मतलब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। आगे सन्ड्री डेटर्स, आगे क्या लिखा है बोलो, सन्ड्री डेटर्स उन्होंने दिया हुआ है, सही है। अभी हमेशा रखना, डेटर्स मतलब कौन रहे, तो डेटर्स मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जिनके पास से अपने को क्या करना है बोलो, फ्यूचर में पैसा लेना है, सही है। तो ये जो भी डेटर्स है ना दोस्तों, ये अपने करंट एसेट होते हैं मेरे, क्या होते हैं बोलो, करंट एसेट होते हैं। ये कहां पे जाएंगे बोलो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है, कहां पे लिखना है बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में। मैं जैसे भी लिख रहा हूं आपको बच्चों जैसा लगे, आपको मेरी हरकतें बहुत छोटे बच्चों जैसी लगती भी होंगी क्योंकि आपको ये आता है राइट, लेकिन फिर भी आपको वहां पे लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे प्रॉब्लम्स में आपको फिर ये फटाफट सॉल्व करते आएगा, सही है। बीइंग दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, तो आपको मैं जो भी लिख के दे रहा हूं आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अभी बैड डेट्स, अभी क्या लिखा है देखो यहां पे बैड डेट्स राइट। अच्छा बैड डेट्स मतलब क्या बोल सकते हो, अरे व्हाट डू मीन बाय बैड डेट्स बोलो। यस, बैड डेट्स मतलब दोस्तों हमको हमारे डेटर्स के पास से अगर जो भी पैसा हमको मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिला है ना, तो हमारा बैड डेट्स बन जाता है राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने क्या किया, मेरा एक कस्टमर था जिसका नाम था मान लो श्याम राव, क्या नाम था बोलो, श्याम राव नाम था, सही है। श्याम राव को मैंने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे थे उधारी पे, श्याम राव मुझे बोला सर मैं आपको 2 महीने तक पैसा दे दूंगा राइट, लेकिन क्या हुआ कि कुछ रीजंस की वजह से श्याम राव ने वो पैसा मुझे नहीं दिया राइट। तो जब भी दोस्तों मुझे मेरे डेटर के पास से पैसा वापस नहीं मिलेगा तो उसको मैं बैड डेट्स बोलता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो, बैड डेट्स बोलता हूं, सही है। और हमेशा रखना दोस्तों, बैड डेट्स जो भी होता है ना वो हमारे बिजनेस का लॉस होता है, क्या होता है बोलो, लॉस होता है, ठीक है। तो ये बैड डेट जो भी दोस्तों ये अपन लिखेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे लिखेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अब लिख देंगे, ठीक है। अभी एक बात पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मेरी बात ध्यान देना और मेरी बात समझना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं पूरे कॉन्सेंट्रेशन से यहां पर ध्यान देना और मेरी बात एकदम अच्छे से सुन लेना, ठीक है, ओके। अभी ध्यान दो मेरे यारों, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान दो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। देखो दोस्तों, हमारा जो भी हमारे सामने यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट दिया, हमारे सामने क्या दिया, देखो जल्दी से, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जिसको अपन ट्रायल बैलेंस बोलेंगे, सही है। तो हमेशा रखना, अगर आपको आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर, आपको क्या बोलो, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कुछ बैड डेट्स दिए होंगे, क्या बोलो, ध्यान देना दोस्तों, अगर आपको आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कुछ बैड डेट्स दिए होंगे तो वो बैड डेट्स को अपन ओल्ड बैड डेट्स एज्यूम करते, क्या करते बोले, दिस इसको अपन ओल्ड बैड डेट्स करके एज्यूम करते हैं ना, हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा क्या रखेंगे, इसके आगे अपने को बैड डेट्स के एडजस्टमेंट 1000 टाइम्स करनी पड़ेंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, आपका कोई भी क्वेश्चन रहने दो, वहां पे आपको दोस्तों बैड डेट्स का एडजस्टमेंट तो आने ही आने वाला है, समझ रहे हो ना। तो फॉर द टाइम इतना याद रखना दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको बैड डेट्स का फिगर दिया हुआ है तो वो बैड डेट्स दोस्तों आपका ओल्ड बैड डेट्स होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, ठीक है, वहां पे लिख के रखो, वहां पे उसको अपन क्या बोलेंगे बोलो, ओल्ड बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी बैड डेट्स है वो अपने ओल्ड बैड डेट्स होते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, एक बात आपको बोलता हूं, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखेंगे बोलो, देखो आप मुझे एक बात बोलो, आप मुझे एक बात बोलो, जब भी दोस्तों अपन डबल अकाउंटिंग एंट्री करते हैं ना, या जब भी अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, राइट, वो कौन से सिस्टम से कर रहे हैं, तो अपन अकाउंटिंग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम से, कौन से सिस्टम से कर रहे बोलो, डबल एंट्री सिस्टम से हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। अभी आप मुझे एक बात बोलो ना, जब भी अपन डबल एंट्री सिस्टम से कोई भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो टाइम पे कोई भी ट्रांजेक्शन का ये एक इफेक्ट जाता है क्या, दो इफेक्ट जाते हैं, सब लोग मुझे रिस्पांस करो, पूरा टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, सही है। अगर आप मुझे रिस्पांस देंगे तो जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको पूरा समझ जाएगा, ठीक है, पूरे एनर्जी के साथ मुझे आप रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो दोस्तों जब भी अपन कोई भी ट्रांजेक्शन करते, राइट, तो वो ट्रांजेक्शन का अपन क्या करेंगे बोलो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका अपन अकाउंटिंग करेंगे, राइट, ये तो आपको पता है, सही है। अभी मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जब भी मैं दोस्तों अकाउंटिंग करूंगा तो मेरा अकाउंटिंग जो भी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर होता है उसके हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, कितने इफेक्ट होते हैं बोलो, दो इफेक्ट होते, राइट, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, हमेशा दो इफेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन की, सही है। लेकिन एक बात समझना दोस्तों, आपको 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 ट्रायल बैलेंस के अंदर, किधर हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम दिए हुए हैं वो आइटम का सिर्फ आपको एक ही इफेक्ट देना है, कॉन्सेप्ट समझा, मतलब दोस्तों आपको जो भी उन्होंने एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिया है ना, ये हर एक एडजस्टमेंट के यहाँ पे आपको दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। लेकिन जब भी कोई भी आइटम अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, कहाँ पे दिया बोले दोस्तों, आपको अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल इफेक्ट जाता है, कितने इफेक्ट जाते हैं बोले दीजिए, इसका सिंगल इफेक्ट जाता है, सही है। इसका मतलब क्या समझ लो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो कैसे, आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, आप मुझे एक बात बोलो, जो भी बैड डेट्स है, जो भी अपना क्या बोलो बैड डेट्स, राइट, अभी मैंने आपको क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट जाएगा, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो ना कि जो भी है बैड डेट्स है आपने ट्रायल बैलेंस के कहां पे रहे बोलो, जो भी है बैड डेट्स है हमको ट्रायल बैलेंस में दिए ना, मतलब ये जो भी बैड डेट्स ये हमको ट्रायल बैलेंस में दिए है इसके वजह से ये बैड डेट जो भी है इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट जाएगा, कितना इफेक्ट जाएगा बोलो जल्दी से, इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, सिंगल इफेक्ट जाएगा, सही है। और हमेशा रखना, अभी आप मुझे एक बात बोलो, हमको ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए है इसका मतलब मुझे इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट देना है, सिंगल इफेक्ट देना है, सही है। तो आप मुझे बोलो कि बैड डेट्स की वजह से मेरा लॉस होगा क्या नहीं होगा बोलो, आप मुझे बोलो बैड डेट्स की वजह से मेरा लॉस होगा क्या नहीं होगा बोलो, यस और नो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। बैड डेट्स की वजह से मेरा लॉस होगा क्या नहीं होगा बोलो, 100% लॉस होगा, सही है। इसलिए दोस्तों ये बैड डेट्स का मैं सिर्फ एक ही इफेक्ट दूंगा और वो दूंगा दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्यों, क्योंकि हमारा मेनली एक्सपेंडिचर है या हमारा लॉस है, समझा क्या।
ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे अपन अपने डिस्कशन में आगे आगे जाएंगे, जैसे जैसे अपनी कहानी आगे आगे जाएंगी, वैसे वैसे आपको हर एक चीज समझते जाएंगे, ठीक है। फॉर द टाइम इतना याद रखना दोस्तों कि बैड डेट से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे है, इसलिए इसका सॉरी ये हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए, इसलिए इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा और वो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, राइट। और जब भी हमको बैड डेट से ट्रायल बैलेंस में दिए रहेंगे तो उसको हम ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बोलो? ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, ठीक है। इतना मैं जो भी बोल रहा हूं आपको हर एक वर्ड टू वर्ड मेरा सुनना है और उसको याद रखना है, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना आगे आगे आप मुझे बोलो परचेसेस है ना। परचेसेस मतलब क्या रहे कि बाबा अपन जो भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट, वो बिजनेस में हमको कुछ ना कुछ गुड्स बेचने रहेंगे, है ना। तो उसके लिए अपन कुछ परचेस करेंगे, तो वो कहां पे जाएंगा बोलो? क्यों कोई मुझे बोल सकता है कि बोलो आप में से कोई है माइकेलल जो मुझे बोल सकता है इसका आंसर? परचेसेस अपन फाइनल अकाउंट में कहां पे डालते हैं? तो परचेसेस जाएगा दोस्तों आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पे जाएगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। समझा कि नहीं समझा? एकदम तोड़ समझ, राइट। कोई भी आपको अड़चन नहीं आती होगी, राइट। चलो आगे जाता हूं दोस्तों, ध्यान देना। आगे क्या लिखा देखो जल्दी से, उन्होंने मोटर कार लिखा है। क्या लिखा है बोलो? मोटर कार, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, मोटर कार मतलब क्या है? कुछ नहीं, आपने जो फोर व्हीलर रहती है उसको मोटर कार बोलते हैं, सही है। अभी मोटर कार जो भी है, राइट, आप मुझे बोलो ना ये मोटर कार ये हमारा एक्सपेंडिचर है क्या? बोलो नहीं, मोटर कार हमारा एसेट होता है बेटा। क्या होता है? मोटर कार हमारा एसेट होता है, सही है। तो जो भी दोस्तों मोटर कार है ना ये हमारा जाएगा दोस्तों आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां पे जाएगा बोलो मेरे यारों जल्दी से? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। क्या बोलो? मोटर कार। समझा कि नहीं समझा बोलो? मोटर कार हमारा बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। और एसेट मतलब कौन सा? फिक्स्ड एसेट। कौन सा बोलो? फिक्स्ड एसेट में जाएगा। आप लिख रहे हो ना गाइस, क्या आप लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ में? वापस आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं वो? अरे अरे क्या हुआ ये? हाँ आगे क्या बोल रहे हैं देखो जल्दी से। वो मशीनरी दिया है। क्या दिया बोलो? आपको मशीनरी दिया है, सही है। तो मशीनरी का भी क्या इफेक्ट आएगा बोलो? मशीनरी का भी सेम इफेक्ट आएगा। क्या बोलो? बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है। हमारा क्या है बोलो? ये एसेट है, सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है? ऑडिट फीस। आगे देखो क्या बोल रहा है? ऑडिट फीस, सही है। अभी ध्यान देना, ऑडिट फीस मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस, राइट, और मैंने मेरे बिजनेस में क्या क्या होगा बोलो? अलग अलग अकाउंटिंग की होगी। तो वो अकाउंटिंग मैंने जो भी की है उसका मैंने सही किया है कि नहीं किया है ये देखने के लिए मुझे एक सीए को अपॉइंट करना पड़ता है और उसको मुझे जो भी पैसा देना पड़ता है उसको मैं ऑडिट फीस बोलता हूँ, सही है। तो इतना याद रखना, ऑडिट फीस जो भी दोस्तों ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पे जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला आइटम कौन सा है बोलो? मेरा सेल्स रिटर्न है। कौन सा है बोलो? सेल्स रिटर्न है, सही है। अभी सेल्स रिटर्न मतलब क्या करना है वहां पे लिख के रखो दोस्तों। सेल्स रिटर्न मतलब आपको कुछ नहीं, वहां पे आपको करना है लेस फ्रॉम सेल्स, है ना। जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल लिखेंगे ना उसमें से आपको सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, समझा? बहुत अच्छी बात है, सब लोग मेरे साथ हो ना? यस और नो? चलो आगे डिस्काउंट। अभी ध्यान देना दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज ध्यान देना, ठीक है। अभी मेरे यारों मेरे को एक बात बोलो, है ना। जो भी हमको ये क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया, क्या दिया बोले दी से उन्होंने हमको ये क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया, सही है। तो उन्होंने जो भी हमको ये क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है या क्रेडिट साइड में दिया है बोलो? जो भी हमको यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट दिया दोस्तों वो उन्होंने हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है या क्रेडिट साइड में दिया है? मुझे फटाफट रिस्पॉन्स है पूरे एनर्जी के साथ। कहाँ पे दिया है बोलो? डेबिट साइड में दिया है, सही है। तो हमेशा रखना दोस्तों, अगर हमको उन्होंने क्वेश्चन में जो भी डिस्काउंट दिया है अगर उसका फिगर अगर हमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया होगा, इसका मतलब दोस्तों डिस्काउंट जो भी है ना ये हमारा एक्सपेंडिचर है। क्या बोलो? डिस्काउंट जो भी हमारा क्या है बोलो? एक्सपेंडिचर है, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये डिस्काउंट को मैं लिखूंगा यहां पे, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सही है। अगर उन्होंने डिस्काउंट का फिगर अगर उन्होंने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा होता तो इसका मतलब हमारा ये इनकम होता है, समझा। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट का जो भी फिगर है उन्होंने डेबिट में दिया है, मतलब हमारा क्या है बोलो? एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा है। हमारा क्या है बोलो? एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा है। समझा कि नहीं समझा? ओए मेरे यारो, समझ रहे एकदम अच्छे से? कोई डाउट बोलो, कोई शिकायत यहां तक? नहीं ना, चलो बहुत अच्छे। आगे चलो फटाफट, अभी देखो आगे क्या बोल रहे, ध्यान देना। आगे उन्होंने दिया दोस्तों हमको बिल्डिंग। क्या दिया बोले? लिस्ट उन्होंने हमको यहाँ पे बिल्डिंग दिया, सही है। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जो भी बिल्डिंग होता है, राइट, तो बिल्डिंग ये हमारा एसेट है क्या नहीं बोलो? जो भी बिल्डिंग होता है, राइट, बिल्डिंग हमारा एसेट है क्या नहीं बोलो? एसेट है, सही है। तो बिल्डिंग जाता है दोस्तों मेरे
बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट फिक्स्ड एसेट में जाएगा मेरे, कहां पे जाएगा बोलो, फिक्स्ड एसेट में जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आगे देखो क्या बोल रहा है वो, कैश एड बैंक, क्या बोल रहा है वो, कैश एड बैंक, सही है। अभी ध्यान देना, कैश एड बैंक मतलब क्या रे, हमारे बिजनेस में जो भी कैश है उसको हमने बैंक में रखा है, राइट, मतलब हमारा बैंक में जितना भी बैलेंस अवेलेबल है उसको हम कैश एड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो कैश एड बैंक अपना क्या है बोलो, करंट एसेट होता है। कैश एड बैंक क्या होता है बोलो, अपना करंट एसेट होता है। यह कहां पे जाएगा, हमारे बैलेंस शीट में, कहां पे जाएगा बोलो, हमारे बैलेंस शीट में जाएगा। यस और नो, मुझे सब लोगों का रिस्पॉन्स है, यस और नो बोलो, यहां तक क्लियर है कि यहां तक कोई डाउट, यहां तक मैंने पहले ही बोला फर्स्ट सम अपन एकदम आराम से करेंगे, एकदम धीरे धीरे करेंगे, सही है। चलो आगे, 10% इन्वेस्टमेंट, आगे क्या बोल रहे हैं वो, 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी एक काम कर दोस्तों, जो भी यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट उन्होंने दिया है ना, इसको आप क्या करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, ये जो भी 10% इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमको यहाँ पे दिया है ना, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, राइट, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ठीक है, यस 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बोलो, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है दोस्तों, हमने क्या किया बोलो, हमारे पास जो भी पैसा है हमने कोई तो भी कंपनी में या किधर तो भी हमने उसको डिपॉजिट किया होगा, हमने एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज करके उधर रखा होगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट जो भी होता है दोस्तों, ये हमारा एसेट होगा, क्या होगा बोलो, हमारा जल्दी से एसेट होगा, सही है। और एसेट मतलब कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट में, कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट में। वापस बोल रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि आपका हिडन एडजस्टमेंट है, क्या बोले जिसे, आपका हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, इसमें चलो अभी आगे जाओ, कह रहे मैं ओए आगे जाओ, क्या बोलो जल्दी से, फटाफट बोल, आगे जाओ मैं। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है वो, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months। ठीक है, ओके, अभी एक बात आप मुझे बोलो, एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है रे, हमारा बिजनेस चलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बोलो, कुछ ना कुछ मार्केटिंग करना पड़ता है, तो उसका जो भी खर्च है उसको अपन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। जैसे आपने वो देखा ना, है ना, वो नहीं क्या, आपने टीवी पे आते देखो, फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज आती है या वो बोरवीटा की आती है ना, तो ये सब क्या बोलो, एडवर्टाइज, राइट। तो एडवर्टाइज हमारा क्या होता है बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, और उसको हम कहां पे डालेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे डालेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, सही है। और ये क्वेश्चन में दोस्तों, आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिया है ना, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको भी आपको क्या करना है बोलो, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूं मालूम है क्या, कि जितने भी आपको मैंने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के 10 प्रॉब्लम्स दिए ना हमारे नोट्स में, तो उसमें से मैं क्या करूंगा, आपको हर एक प्रॉब्लम में कौन सी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है उसको आपको मैं मार्क करके दूंगा, राइट। जिसके वजह से क्या होगा कि जब भी आपकी बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे ना, तो बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे आप सिर्फ वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ रहा है। मैं इसलिए आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसको आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, राइट। तो आपको भी उसको क्या करना है, हाईलाइटर आपके पास रहेगा ना, हाईलाइटर रहेगा ना, मार्केट में जाओ मिलता है, 20 रुपए का मिलता है, ठीक है, इतनी अपनी गांव भर की गरीबी नहीं है हमारे ऊपर, सही ना, यस सर नो। तो आपको क्या करना है, हाईलाइटर लाना है, आपको हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, रॉयल्टी है ना, तो रॉयल्टी कहां पे जाता है, कल मैंने आपको बोला था, फॉर्मेट याद करके आओ, कहां पे जाता है बोलो, रॉयल्टी हमारा जाता है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। समझा कि नहीं समझा, क्या सब लोग लिख रहे हो क्या मेरे साथ, यस सर नो, सब लोग मेरे साथ लिख रहे हो क्या बोलो, यस सर नो, मुझे फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, यस सर नो, यहां तक हुआ, चलो बहुत अच्छा है, आई होप आपका यहां तक हुआ रहेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हो दोस्तों, जनरल रिजर्व दिया है, क्या दिया उन्होंने, जनरल रिजर्व दिया है। ठीक है, अभी एक बात बोलू क्या दोस्तों आपको, जनरली ना जो भी जनरल रिजर्व होता है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जनरली अपन क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स को बांट देते, राइट। लेकिन ना दोस्तों ये प्रॉब्लम में ये चैप्टर में जब भी अपन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, इसके अपन जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये चैप्टर में अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी जनरल रिजर्व है इसको अपन लायबिलिटी एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे बोला, हम इसको लायबिलिटी एज्यूम करेंगे, और इसको हम डालेंगे दोस्तों हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कहां पे डालेंगे बोलो, हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम इसको डाल देंगे। समझा कि नहीं समझा, यस और नो, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम इजी, एकदम इजी है। ठीक है, चलो आगे, आगे क्या बोल रहा है वो, कैपिटल का उन्होंने बैलेंसेस दिए। ठीक है, देखो उन्होंने हमको क्या क्या बोले, यहाँ पे कैपिटल के बैलेंसेस दिए, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो ना, जो भी उन्होंने हमको यहाँ पे दया का कैपिटल का बैलेंस दिया, राइट, दया और क्षमा का दिया है ना, तो ये कहां पे जाता है दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, बोले जल्दी से, जो भी कैपिटल के बैलेंसेस रहते हैं वो कहां पे जाते हैं बोलो, तो वो हमारे जाते हैं दोस्तों बैलेंस शीट के, कहां पे जाते हैं बोलो जल्दी से, यस एकदम सही जा रहे हो, कहां पे जाएंगे बोलो, वो हमारे जाएंगे दोस्तों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कहां पे जाएंगे बोलो, यहां पे लिख के रहो आप, कहां पे जाएंगे ये आपका,
ये आपका जाएगा दोस्तों बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा बोलो, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, यस और नो, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हमको हमारे ओनर को पैसा देना होता है तो उसको हम ओनर्स लाइबिलिटी बोलते, राइट। तो हमारे पार्टनर हमारे बिजनेस के ओनर ही होते हैं ना, तो ये कहां पे जाएगा बोलो, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। आगे सुनो ना, क्रेडिटर्स लिखा है, क्रेडिटर्स, राइट। तो क्रेडिटर कहां पे जाएगा दोस्तों, हमेशा रखना, क्रेडिटर आपका क्या है, करंट लाइबिलिटी होता है, सही है। तो ये आपका जाएगा करंट लाइबिलिटी, मतलब कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। फटाफट फटाफट लिखो, मैं वापस बोल रहा हूं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे, देखो जल्दी से, वो आरडीडी दिया उन्होंने, क्या दिया बोले जल्दी से, आगे आपको आरडीडी दिया है, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आरडीडी मतलब क्या है, सबसे पहले आपको क्या समझना जरूरी, बोलो आरडीडी मतलब क्या, ठीक है। तो आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख के रखो, चाहिए तो आपको पता रहेगा, मुझे पता है लेकिन फिर भी लिख के रखो। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है दोस्तों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या होता है बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों, मैंने क्या किया, एक मेरा कस्टमर है जिसका नाम है घनश्याम, क्या नाम है बोलो, घनश्याम नाम है, सही है। और मैंने क्या किया दोस्तों, घनश्याम को 50,000 रुपीज के गुड्स बेच दिए, ठीक है, एकदम अच्छा इंसान है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। घनश्याम मुझे बोला कि सारंग सारंग तेरे जो भी पैसे है ना, मैं तुझे 2 महीने बाद दे दूंगा। घनश्याम मुझे क्या बोला बोलो, तेरे जो भी पैसे उसको मैं 2 महीने बाद पे कर दूंगा, ऐसे मुझे घनश्याम ने बोला, बहुत अच्छा इंसान, राइट। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से क्या होगा दोस्तों, घनश्याम के घर पे ना आग लग गई, घनश्याम का जो भी घर है और उसका दुकान है वहां पे आग लग गई पूरी, और वो पूरा का पूरा उसके दुकान में जितने भी गुड्स है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गए, सही है। अबे आप मुझे बोलो ना, घनश्याम इंसान कैसे बोलो, एकदम अच्छा है, राइट। लेकिन उसके दुकान में जब भी आग लग जाएगी दोस्तों, तो क्या वो मेरे को ऐसे डाउट आ सकता ना कि बाबा यार मुझे तो घनश्याम के पास से 50,000 रुपए लेने थे, अभी उसके दुकान में आग लग गई तो शायद वो मेरे पैसे नहीं दे पाएगा, ऐसे मेरे मन में डाउट आ सकता कि नहीं आ सकता बोलो, ऑब्वियसली आएगा, समझ रहे हो क्या। तो जब भी दोस्तों हमारे बिजनेस को, हमारे कोई भी पर्सन के पास से अगर कोई पैसा लेना होगा, और वो पर्सन के पास से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा अगर हमको डाउट आया तो हम क्या करते बोलो, उसका एक प्रोविजन करके रखते, और वो प्रोविजन को अपन बोलते दोस्तों रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, क्या बोलते बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोलते, सही है ना, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। रिजर्व मतलब क्या, हमारे डेटर के पास से जो भी पैसा मुझे लेना है उसके ऊपर मैं कुछ क्या करूंगा बोलो, प्रोविजन करके रखूंगा, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे यार एक मुझे एक आंसर दो, ठीक है, मेरे यारों मुझे एक जल्दी जल्दी आंसर दो, ठीक है। यहाँ पे जो भी उन्होंने हमको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दी, यहाँ पे उन्होंने जो भी हमको क्या किया बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दी है, सही है। तो आप मुझे बोलो ना, जो भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट दिया उन्होंने हमको, एक कापे दिया बोलो, उन्होंने हमको जो भी दिया या उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, कापे दिया बोलो, उन्होंने हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, सही है। तो मैंने आपको क्या बोला बोलो, कि जब भी हमको ट्रायल बैलेंस में कोई भी अगर आइटम दिया होगा तो उसके कितने इफेक्ट जाते हैं, सिंगल इफेक्ट जाते हैं, राइट। तो हमेशा रखना दोस्तों, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट जो भी होता है ना, अगर इसको उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस वाले रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को हम इसके आगे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको बोलेंगे दोस्तों ओल्ड आईडीडी, क्या बोलेंगे बोलो, ओल्ड आरडीडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, ओल्ड आरडीडी बोलेंगे, ठीक है। और फॉर द टाइम बीइंग आप उसके बाजू में इतना लिख के रखो कि ओल्ड आरडीडी जो भी होता है ना, ये आपका जाता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहां पे जाता है बोले जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, इतना लिख के रखो बस। ओल्ड आरडीडी कहां पे जाता है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, इतना लिख के रखो। लिखने के बाद मुझे बोलो कि हो गया करके, ठीक है, हो गया क्या बोलो, कहां पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। मैं जितना भी आपको बोल रहा हूं ना, आपको सिर्फ उतना सुनना है, ठीक है। ये मेरा आपको वादा है कि आपको हर एक चीज समझेगा, मतलब समझेगा, सिर्फ थोड़ा टाइम दो, थोड़ा भरोसा रखो, थोड़े पेशेंस मेंटेन करो, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है वो, उन्होंने क्या बोला देखो आगे, सेल्स दिया, क्या दिया बोलो, उन्होंने जल्दी से सेल्स दिया, सही है। अभी सेल्स मतलब कहां पे जाएगा बोलो, वहां पे लिख के रखो। सेल्स मतलब हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, कहां पे जाएगा बोलो, क्रेडिट साइड में, कहां पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, हमारा इनकम है, राइट। जब भी अपन कोई भी गुड्स को बेचते हैं तो हमारा इनकम होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। आगे अभी है ना दोस्तों, ये जो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, जो भी क्या बोलो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिया है ना, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ठीक है। ये जो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको दिया है ना, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ठीक है। क्यों आपको मैं बोलता हूं, क्यों आपको मैं बोलता हूं, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे सब लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे सब लोगों का चैट्स में रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों,
जो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है, इसका मतलब क्या रहे? सबसे पहले वेजेस मतलब क्या बोलो, हमारे फैक्ट्री में जो भी लोग काम करेंगे उनको हमको कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, तो उसको अपन वेजेस बोलते हैं, राइट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या होगा बोलो, हमारे फैक्ट्री में कोई बंदे ने अगर काम किया होगा और अगर वो बंदे को मुझे पेमेंट करना अगर बाकी होगा तो उसको मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बोलो कि करंट ईयर में मुझे जो भी पैसा लोगों को देना था वो कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं दे पाया। मतलब दोस्तों आउटस्टैंडिंग वेजेस का दो मीनिंग होता है। पहला होता है कि करंट ईयर का जो भी पेमेंट है आपने नहीं किया, मतलब आपका करंट ईयर का ड्यू होगा, और दूसरा दोस्तों आपका लायबिलिटी होगा। यस और नो बोलो, यस और नो, मुझे रिस्पॉन्स करो, ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स करो, यस और नो बोलो। यस, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस उन्होंने दिया है ना, ये उन्होंने हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए। कहाँ पे दिया बोलो, हमारा प्रॉब्लम क्या, उन्होंने कहाँ पे दिया बोलो जल्दी से हमको, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, सही है। और मैंने आपको 1000 बार अभी तक बोला कि अगर उन्होंने ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर हमको कोई भी चीज दी होगी तो वो चीज का जो भी इफेक्ट जाता है वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सिंगल इफेक्ट जाता है, इंडिविजुअल इफेक्ट जाता है, यस और नो। तो इसलिए दोस्तों ये जो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस है इसका अपन सिर्फ एक ही इफेक्ट देंगे, और ये अपन इफेक्ट देंगे दोस्तों हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कहां पे देंगे बोलो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, सही है। अगर हमको उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया होता ना, कहां पे बोलो, एडजस्टमेंट में दिया होता, तो अपन उसके दो इफेक्ट दिया रहते। पहला इफेक्ट क्या दिया रहता, हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी वेजेस लिखते उसमें ऐड किया होता और लायबिलिटी में बताया होता, राइट। लेकिन यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ कितना इफेक्ट जाएगा बोलो, सिंगल इफेक्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस का आइटम है। किसका आइटम बोलो, हमारा ट्रायल बैलेंस का आइटम है, ठीक है। इतना समझा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखा है, फटाफट आगे उन्होंने क्या लिखा है बोलो, परचेस रिटर्न, राइट। अभी आप मुझे बोलो ना, परचेस रिटर्न जो भी होता है उसको अपन क्या करते रहे बोलो, यस, परचेस रिटर्न में आप हम क्या करते दोस्तों, इसको परचेसेस में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे बोलो, परचेसेस में से माइनस कर देंगे, सही है। और आगे क्या लिखा है बोलो, आगे उन्होंने हमको यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, सही है। और डिस्काउंट उन्होंने हमको जो भी दिया है वो उन्होंने हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सॉरी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया, राइट। मतलब ये हमारा इनकम है, और इनकम मतलब कहाँ पे जाएगा बोलो, इसको आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा बोले दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इतना समझा क्या अभी तक मैंने जो भी आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाया, क्या आपको इतना समझा कि यस और नो? मुझे फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, मुझे एकदम जोरदार फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए। क्या आपको इतना समझा क्या? अरे आपको समझ नहीं चाहिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस कि मैं आपको, क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको क्यों बोलता हूं मालूम है क्या? क्योंकि आपको है ना ये पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारा पहले पूरा प्रिपेयर करता हूं, पूरा देखता हूं आज मेरे बच्चों को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ाना है, राइट। और ये जो भी चीजें ना गाइस, ये वैसे मैं प्रिपेयर करता हूं कि आपको फर्स्ट इसमें सब समझ जाए, ठीक है। तो क्या आपको समझ रहे कि नहीं समझ रहे बोलो, यस और नो? पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली आपको आ रहा है कि नहीं? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए बस, है ना, एकदम तोड़ समझ रहे कि नहीं बोलो, है ना। बहुत सारा प्यार दो चलो मुझे वहां पे जल्दी से, बहुत सारे ऐसे आपके इमोजीज आने चाहिए, ठीक है। फटाफट आपको समझ रहे ना, फटाफट मुझे बोलो, चलो फास्ट। तो मैं आगे जाता हूं, आपको इतना समझा तो मुझे बोलो, फिर मैं आगे जाता हूं, ठीक है। एकदम फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। यस, एक नंबर है ना, एक नंबर, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो, राइट आप। चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो दोस्तों, हमने ट्रायल बैलेंस तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अभी जाएंगे दोस्तों अपन अपने एडजस्टमेंट के ऊपर, सही है। अभी एडजस्टमेंट के ऊपर जाएंगे, राइट। अभी हमेशा रखना, हमेशा एक रूल याद रखना। क्या रूल याद रखेंगे बोलो, कि हमारे एडजस्टमेंट के अंदर उन्होंने जो भी हमको चीजें दी ना, उसके हमेशा दो इफेक्ट होते। कितने इफेक्ट होते बोलो, हमेशा दो इफेक्ट होते। कितने इफेक्ट होते बोलो, दो इफेक्ट होते, सही है। तो हमेशा रखना, इसका कितने इफेक्ट जाएंगे बोलो, दो इफेक्ट जाएंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, सबसे पहला क्या दिया है उन्होंने हमको एडजस्टमेंट में, तो सबसे पहले उन्होंने हमको एडजस्टमेंट में दिया है दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000, राइट। क्या दिया बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000, सही है। तो ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक है ना दोस्तों, ये क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने हमको एडजस्टमेंट में दिया है, इसलिए इसके दो इफेक्ट होंगे। और क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट होता है दोस्तों, वो जाता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पे जाता है बोलो, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और दूसरा दोस्तों, स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है, इसलिए दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक हमारे बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा। कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा। इतना समझा क्या? बैलेंस शीट के करंट एसेट में जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा, आगे डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, अब एक काम करने का, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, आपको एडजस्टमेंट में उन्होंने जो जो आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट बोला हुआ है, तो आपको क्या करना है,
ट्रायल बैलेंस में वो आइटम के ऊपर जाना है और उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो आप मुझे बोलो ना, एडजस्टमेंट में आपको उन्होंने क्या बोला, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन करो, और किसके ऊपर करो बोल रहे हो, मशीनरी के ऊपर करो। तो कुछ नहीं करने का, ट्रायल बैलेंस में जाने का, वहां पे बिल्डिंग जो भी है, बिल्डिंग देखो कहां पे दी आपको फटाफट, यस बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, और किसके ऊपर दिया बोलो, मशीनरी के ऊपर दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको टिक करके रखना है। क्या करना है बोलो आपको, इसको टिक करके रखना है, ठीक है। टिक मतलब क्या, कि जब भी अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो ये एडजस्टमेंट हमको, या ये आइटम के ऊपर हमको एडजस्टमेंट करना है, हमको ध्यान में आएगा। समझा क्या, ये आइटम के ऊपर हमको एडजस्टमेंट करना है, हमको ध्यान में आएगा, ठीक है। तो उसको टिक करके रखो, वापस बोलो उसको टिक करके रखो, ठीक है। अच्छा अभी ना दोस्तों आप मुझे एक बात बोलो, ठीक है, अभी आप मुझे एक बात बोलो, सही है ना, प्लीज मुझे एक बात बोलो, आप सब लोग होशियार लोग हो, राइट, प्लीज मुझे एक बात बोलना, ठीक है। देखो दोस्तों मुझे एक बात बोलो, जब भी अपन दोस्तों कोई भी एसेट के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन करते, क्या बोला मैंने, जब भी अपन दोस्तों कोई भी आइटम के या कोई भी एसेट के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन करते होंगे, तो वो क्या होता है बोलो, डेप्रिसिएशन दो इफेक्ट क्या रहते हैं बोलो, पहला अपन क्या करते हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे एसेट का वैल्यू कम होता है, राइट, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है बोलो, हमारे एसेट का वैल्यू कम होता है, सही है। तो पहला इफेक्ट अपन क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो भी एसेट रहेगा ना, वो जो भी हमारा क्या रहेगा बोलो, एसेट रहेगा ना, वो एसेट में से दोस्तों अपन डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे। और दूसरा दोस्तों, डेप्रिसिएशन मतलब अपना नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, समझा। तो इसका मतलब जो भी उन्होंने हमको यहाँ पे प्रॉब्लम में बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन बोला है, तो इसका अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन रिस्पेक्टिव एसेट में से अपन उसको माइनस कर देंगे, और दूसरा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्या करेंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। समझा कि नहीं समझा, एकदम तोड़ समझा, कोई दिक्कत है यहां तक बोलो, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट है ना, चलो बहुत अच्छा है। आगे बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ रुपीज 3000, राइट। अब एक काम करो दोस्तों, ये जो भी एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना, इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको आपको क्या करना है बोलो, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सही है। देखो एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है वो, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ रुपीज 3000, ठीक है। अभी देखो आपको बिल्स रिसीवेबल नाम का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है मुझे मालूम नहीं, राइट, लेकिन फॉर एग्जांपल या फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रखो दोस्तों कि जब भी हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है ना, तो बिल्स रिसीवेबल की वजह से हमारे डेटर्स कम होते हैं। क्या बोला मैंने, बिल्स रिसीवेबल की वजह से क्या होते हैं बोलो, हमारे डेटर्स कम होते हैं, सही है। और जब भी दोस्तों हमारा बिल्स रिसीवेबल, जब भी क्या बोल रहा हूं मैं, हमारा बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर होता है, हमारा बिल्स रिसीवेबल अगर क्या होता है बोलो, डिसऑनर होता है ना दोस्तों, तो डिसऑनर होने की वजह से हमारे दो इफेक्ट जाते। एक काम करो, आपके नोटबुक में लिख के रखो, ठीक है, आपके नोटबुक में लिख के रखो, क्या लिख के रखेंगे बोलो, कि जब भी हमारा बिल रिसीवेबल, जब भी हमारा क्या बोलो, बिल रिसीवेबल, जब भी हमारा क्या, बिल्स रिसीवेबल अगर ये डिसऑनर होता है, अगर ये क्या होता है बोलो, डिसऑनर होता है, तो इसके हमको दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। इसके हमको कितने इफेक्ट देने पड़ते हैं बोलो, दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। उसमें से फर्स्ट इफेक्ट आपका होता है दोस्तों, और वो होता है दोस्तों आपका बिल्स रिसीवेबल में से आपको माइनस करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट आपको देना पड़ेगा दोस्तों, आपके डेटर्स में उतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, समझा। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने हमको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है वो, अगर उन्होंने हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 3000 रुपीज अगर डिसऑनर हुआ ऐसे बोला होगा, तो इसका मतलब दोस्तों मैं बिल्स रिसीवेबल में जाऊंगा और उसमें से मैं 3000 रुपीज क्या करूंगा बोलो, मैं बिल्स रिसीवेबल में जाके क्या करूंगा बोलो, 3000 रुपीज में माइनस कर दूंगा, और उतने 3000 रुपया में मेरे डेटर्स के अंदर ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा बोलो, डेटर्स के अंदर में ऐड कर दूंगा। इतना समझा कि नहीं समझा बोलो, इतना समझा कि नहीं समझा, एकदम अच्छे समझ रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जब भी डिसऑनर होता है तो उसके कितने इफेक्ट देने बोलो, दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है, और दूसरा क्या करना है बोलो, आपको डेटर्स में ऐड करना है या प्लस करना है, समझा, यस और नो। सब लोग लिख के लो, चलो सब लोग लिखो, मैं जब भी आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको लिखना है, ठीक है, मैं टाइम पास के लिए नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना जरूरी है, आपके नोट्स के अंदर मुझे चाहिए, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, आगे 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 देखो, तो इसका क्या आएगा बोलो, इसको मैं क्या करूंगा बोलो, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, और दूसरा क्या करूंगा बोलो, एड इन डेटर, डेटर्स में एड कर दूंगा, ठीक है। आगे देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया, ओके, मतलब दया को ने बोला, अपना एक पार्टनर है, सही, दया ने क्या किया बोलो,
वो जो भी गुड्स है ना उसमें से उसने क्या किया बोलो 1000 रुपीज के गुड्स उसने क्या किए बोलो विड्रॉ किए, क्या किया बोलो इन दिस उसने विड्रॉ किए, सही है, वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट राइट। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो भी पार्टनर है उसने 1000 रुपीज के गुड्स का ड्रॉइंग्स किया, क्या क्या बोलो ड्रॉइंग्स किया, सही है। तो एक काम करो नोटबुक पे जाओ जल्दी से और नोटबुक पे वहां पे लिखो, क्या लिखेंगे बोलो वहां पे लिखो गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, यहां पे लिख के रखो गुड्स टेकन ओवर, गुड्स क्या बोलो टेकन ओवर बाय पार्टनर, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, सही है। तो इसका मतलब क्या होता है बोलो, इसका मतलब होता है दोस्तों ड्रॉइंग्स, इसका मतलब क्या होता है बोलो, इसका मतलब होता है दोस्तों ड्रॉइंग्स। और जब भी कोई भी पार्टनर ये गुड्स को विड्रॉ करेगा या ड्रॉइंग्स करेगा तो इसके दो इफेक्ट होंगे, पहला इफेक्ट होगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, कहां पे लिखना है बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, और दूसरा हमको करना है दोस्तों लेस फ्रॉम पार्टनर कैपिटल, लेस फ्रॉम क्या करना है बोलो पार्टनर्स कैपिटल, लेस फ्रॉम क्या करना है बोलो पार्टनर्स कैपिटल, सही है। इसका मतलब क्या दोस्तों ध्यान देना, अभी आप बोलेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखने का, तो ध्यान दो, देखो दोस्तों हमारा जो भी बिजनेस राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपना ग्रोसरी शॉप है, अपना क्या है बोलो जल्दी से ग्रोसरी शॉप है, सही है, ये अपना क्या है बोलो ग्रोसरी शॉप है, सही है। और मैंने क्या किया दोस्तों, मेरे ग्रोसरी शॉप में मैंने 50 kg टी पाउडर लेके आया, क्या क्या बोलो मैंने 50 kg में टी पाउडर लेके आया, सही है। और ये बिजनेस में से क्या हुआ दोस्तों, मान लो कि मेरी जो भी छोटी बहन है उसने क्या किया, मेरे बिजनेस में से उसने 1 kg टी पाउडर उसने घर पे लेके गई, क्या किया उसने 1 kg टी पाउडर वो घर पे लेके गई, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, जब भी वो 1 kg टी पाउडर घर पे लेके जाएगी तो वो 1 kg टी पाउडर जो भी वो घर पे लेके जा रही है क्या वो मैंने पहले परचेस किए रहेंगे कि नहीं किए रहेंगे बोलो, ऑब्वियसली परचेस किए रहेंगे, सही है। इसका मतलब दोस्तों जब भी हमारा कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस में अगर कुछ भी गुड्स अगर लेके जाता है तो वो गुड्स हमारे बिजनेस में पहले परचेस किए होंगे, और आप मुझे बोलो ना जब भी हमारे बिजनेस में वो गुड्स को परचेस किया होगा तो हमने वो कहां पे बताया रहेगा बोलो, हमने वो बताया रहेगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, कहां पे बताया रहेगा बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताया रहेगा। और ये गुड्स जब भी हमारे घर वाले लेके जाते हैं घर पे तो क्या हमको पैसा देते क्या बोलो, नहीं देते। इसका मतलब दोस्तों हम वो ड्रॉइंग्स की वजह से हमारे परचेसेस कम हो जाते हैं, सही है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों जब भी ड्रॉइंग्स होता है हम क्या करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, या हम क्या करेंगे बोलो परचेसेस में से माइनस कर देंगे, हम क्या करेंगे बोलो परचेसेस में से माइनस करेंगे। इसके दो इफेक्ट है, ठीक है, एक तो आप क्या करो ये करो, एक तो आप क्या करो बोलो ये करो, या आप क्या करो ये करो, समझा, ये दो में से एक करो। और आपको एंड आपको क्या करना है बोले इसके साथ साथ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसका लॉजिक अगर आपको समझ गए तो आपको फिर एडजस्टमेंट रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं गिरेगी, समझा कि नहीं समझा। अरे मुझे फटाफट रिस्पॉन्स एकदम फास्ट फास्ट फास्ट, ठीक है, आई होप आपको समझा होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना आगे देखो क्या बोल रहा है वो, फटाफट ध्यान दो, चलो बहुत अच्छा है, राइट। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आईडीडी एट 5% ऑन डेटर्स, ठीक है, ओके। अब एक काम करो, ये जो भी एडजस्टमेंट है ना दोस्तों ये एडजस्टमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है, ये जो भी एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है, क्यों ध्यान देना। देखो दोस्तों बात को समझ लो, बात को समझ लो, देखो यहां पे उन्होंने क्या बोल रहे रे, वो बोल रहे हमको कि आप क्या करो जो भी आपके डेटर्स है ना उसमें से आप कुछ बैड डेट्स माइनस कर दो, क्या बोल रहे वो बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दो, राइट। और वो क्या बोल रहा है उसके साथ साथ हमको न्यू आईडीडी क्रिएट करना है, हमको क्या करना है बोलो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट हमको क्रिएट करना है, राइट। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों उन्होंने जो भी यहां पे हमको 1800 का बैड डेट बोला है या जो भी उन्होंने हमको 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स बोला है, राइट, तो वो उन्होंने कहां पे दिया है बोलो, उन्होंने हमको दिया दोस्तों ये एडजस्टमेंट में, कहां पे दिया है बोलो एडजस्टमेंट में दिया है, सही है। तो एक काम करो दोस्तों आपके नोटबुक में जाओ जल्दी से, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नोटबुक में जाओ जल्दी से दोस्तों और वहां पे लिखो इंपॉर्टेंट नोट, वहां पे लिखो दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट, वहां पे लिख के रखो दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज लिख के रखो, जो भी बोल रहा हूं वो लिखना है आपको, इसके वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। हाँ, और उसमें सबसे पहले आप लिखना दोस्तों, क्या लिखेंगे वहां पे लिख के रखो, एनी बैड डेट्स और आईडीडी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलते बोलो इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बोलो
आइदर अपन क्या बोलेंगे, अगर बैड डेट्स रहेंगे तो क्या बोलेंगे, ओल्ड बैड डेट्स, उसको क्या बोलेंगे बोलो, अपन ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, और अगर आरडीडी रहेगा तो ओल्ड आरडीडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, ओल्ड आरडीडी बोलेंगे, सही, इतना समझा। और ये ओल्ड बैड डेट्स कहां पे जाएंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और ओल्ड आरडीडी कहां पे जाएंगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, इतना समझा क्या, इतना समझा। अभी दूसरा आपको लिखना है दोस्तों, वहां पे आपको लिखना है एनी बैड डेट, दूसरा आपको क्या लिखना है बोलो, एनी बैड डेट्स, क्या लिखना है आपको, एनी बैड डेट्स कॉमा आरडीडी, कॉमा क्या बोलो, आरडीडी गिवन इन, क्या बोल रहे, गिवन इन कहां पे दिया रहेगा, अगर आपको एडजस्टमेंट्स कहां पे दिया रहेगा बोलो, अगर हमको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा ना, तो इज कॉल्ड एज, तो ध्यान देना इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन इसको, इसको अपन बोलेंगे दोस्तों, अगर ये बैड डेट्स रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे न्यू बैड डेट्स, क्या बोलेंगे बोलो अपन इसको जल्दी से, न्यू बैड डेट्स बोलेंगे, और अगर ये आरडीडी रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे दोस्तों न्यू आरडीडी, क्या बोलेंगे बोलो, न्यू आरडीडी बोलेंगे, न्यू आरडीडी बोलेंगे, सही है। और हमेशा रखना दोस्तों, जो भी आपके एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स और आरडीडी दिया होता है ना, इसके हमेशा हमेशा टू इफेक्ट होते हैं, कितने इफेक्ट होते हैं बोलो, दो इफेक्ट होते हैं, और जो भी आपका ट्रायल बैलेंस वाला रहता है इसका आपका सिंगल इफेक्ट होता है, कितने इफेक्ट होते हैं बोलो, सिंगल इफेक्ट, सही है। तो दो इफेक्ट कौन से तो ध्यान देना, दो इफेक्ट कौन से ध्यान देना, सही है। वहां पे पहला इफेक्ट आपका जाएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, कहां पे लिखना पड़ेगा बोलो, नया बैड डेट्स क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा, सही है। और दूसरा जो भी बैड डेट्स रहेगा, वो जो भी दूसरा एडजस्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा बोलो, वो आपको आपके डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो, आपको आपके डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा, समझे, ये आपके न्यू बैड डेट्स का कमाल है, ठीक है। और वैसे ही दोस्तों जो भी आपका आरडीडी है ना, इसको भी आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपको डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में नहीं है, वापस बोल रहा हूं, न्यू आरडीडी कहां पे लिखना है बोला आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, क्योंकि आपका नुकसान है, सही है। और आपका दूसरा इफेक्ट जाएगा दोस्तों यहां पे डेटर्स में से माइनस, दूसरा क्या करना है बोलो, डेटर्स में से आपको माइनस करना है, क्या करना है बोलो, डेटर्स में से आपको माइनस करना है, फटाफट लिखो, डेटर्स में से आपको क्या करना है बोलो, यहां पे माइनस करना है, इतना लिख के रखो बस, मैं आपको बोल रहा हूं, आज तक आपको बैड डेट्स कभी नहीं समझा होगा, लेकिन ये लेक्चर होने के बाद आपको बैड डेट्स का कितना भी गंदा एडजस्टमेंट आने दो, आपको आ जाएगा, ठीक है, आपको बैड डेट्स का कितना भी गंदा एडजस्टमेंट आने दो, मेरी गारंटी आपको आ जाएगा, समझा क्या, ये मेरी गारंटी, ठीक है, सिर्फ इतना लिख के रखो जो मैंने आपको बोला है, लिखा के बोलो, जैसे फास्ट लिखा आपने, यस और नो, मुझे फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, लिखा आपने, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आगे जाऊंगा, फटाफट लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ये सम को बहुत आराम आराम से, बहुत प्यार प्यार से लेके जा रहा हूं, अगले सम में मैं वापस इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, ठीक है, ओके, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, अब एक काम करो दोस्तों, वहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ, वहां पे लिखो जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ बैड डेट्स टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, ये लिख के रखो, ये कैसे कैलकुलेट करने का आपको मैं बोलता हूं, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करने का आपको बोलता हूं, मतलब आपको ये कैलकुलेशन से आपको क्या समझेगा कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी फिगर लिखनी है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, वो क्या कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए आपको समझेगा, ध्यान में आ रहा है, अभी ध्यान दो मैं क्या बोलूं, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले आपको क्या करने का दोस्तों, ओल्ड बैड डेट्स लेने का, सही है। अभी आप लोग मुझे बोल सकते हो क्या बोलो, क्या आप लोग मुझे बोल सकते हो क्या बोलो, कि जो भी ओल्ड बैड डेट्स रहते हैं वो ओल्ड बैड डेट्स आपको कहां से मिलेंगे, क्या आप लोग मुझे बोल सकते हो क्या बोलो, कि जो भी आपको ओल्ड बैड डेट्स यहाँ पे है तो वो ओल्ड बैड डेट्स आपको कहां से मिलेंगे बोलो, यस, जो भी ओल्ड बैड डेट्स रहते हैं दोस्तों ये आपको मिलेंगे आपके ट्रायल बैलेंस में से, कहां से मिलेंगे बोलो, आपको ट्रायल बैलेंस में से मिलेंगे, समझा, आपको ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स दिए रहेंगे, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा आपको इसके अंदर ऐड करना है, वो आपको करना है न्यू बैड डेट्स, आपको क्या ऐड करना है बोलो, न्यू बैड डेट्स आपको ऐड करने, क्या ऐड करना है बोलो, आपको न्यू बैड डेट्स ऐड करने, सही है। अभी आप बोलेंगे सर न्यू बैड डेट्स कहां पे दिए रहेंगे, तो ये न्यू बैड डेट्स है ना दोस्तों आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिए रहेंगे, कहां पे दिए रहेंगे बोलो, आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिए रहेंगे, सही है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिख के लो, आपको बाद में मैं हर एक चीज बोल दूंगा मैं क्या आपको लिखने की, क्या आपको मैं बोलना चाहता था, ठीक है, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं आपको लिखना है, ठीक है। अभी तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना,
तीसरा आपको दोस्तों आपको है ना इसमें और एक चीज ऐड करनी है जिसको अपन बोलेंगे दोस्तों न्यू आरडीडी। क्या बोलेंगे बोले जल्दी से, इसको अपन न्यू आरडीडी बोलेंगे, राइट। आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो जो भी आपका न्यू आरडीडी ना दोस्तों, ये आपको मिलेगा आपके एडजस्टमेंट में। कहां पे मिलेगा बोले जल्दी से आपको, ये आपके एडजस्टमेंट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा बोला आपको, एडजस्टमेंट में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, एडजस्टमेंट में मिलेगा, सही है। और ये तीन, ये सब होने के बाद दोस्तों आपका जो भी आएगा उसमें से आपको चौथा माइनस करना है, और वो आपको माइनस करना है दोस्तों ओल्ड आईडीडी। क्या माइनस करना है बोला आपको, ओल्ड आईडीडी माइनस करना है। और ये ओल्ड आईडीडी का फिगर दोस्तों आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, और अगर मैं ट्रायल बैलेंस में बोलता हूं तो इसको आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा। कहां पे मिलेगा बोले, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगा। और ओल्ड बैड डेट जो भी होता है वो आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा। कहां पे मिलेगा बोले आपको, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा। इतना समझा कि नहीं समझा बोलो। अरे यस सर, मुझे पूरा रिस्पॉन्स है, ठीक है, मुझे सब लोगों का जोरदार रिस्पॉन्स है। मैं वापस जोर, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको बाद में समझेगा, अभी नहीं समझेगा, ठीक है। यस सर नो, इतना समझा के बोलो। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, ये चार चीजें जब भी आप करते हो ना, तो चार चीजें होने के बाद क्या बोल रहे हो, ध्यान देना। ये चार चीजें होने के बाद आपका अगर जो भी फिगर आता है, आपका क्या आता है बोलो, जो भी फिगर आता है, अगर ये फिगर या ये आंसर, ये फिगर या ये आंसर अगर आपका पॉजिटिव फिगर आता होगा, कौन सा फिगर आता होगा बोलो, अगर आपका पॉजिटिव फिगर आता होगा तो इसको आपको लिखना है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पे लिखना है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, समझा। कहां पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है। और अगर इसका आंसर अगर अपन निगेटिव फिगर आ रहा है तो इसको आपको लिखना है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। कहां पे लिखना है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या क्यों लिखना है वो जाने दो, अभी आप इतना याद रखो ऐसे ऐसे करना है। और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है, और अगर इसका आंसर निगेटिव है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो, अरे इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, यस और नो, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो। हाँ, और अगर आपको बहुत ही मस्ती, राइट, तो इसका आंसर भले ही आपका निगेटिव अगर आता है, राइट, इसका आंसर अगर निगेटिव आता है तो आप जब भी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आपको वहां पे पॉजिटिव फिगर में लिखना है। कौन से फिगर में लिखना है बोला आपको, पॉजिटिव फिगर में लिखना है, राइट। अगर इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, इसका आंसर अगर निगेटिव आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है, राइट। और कैसे लिखना है बोलो, पॉजिटिव फिगर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे ओल्ड बैड डेट्स थे 5000, है ना, मेरे न्यू बैड डेट्स थे दोस्तों यहाँ पे 6000, मेरी ओल्ड यहाँ पे न्यू आरडीडी दोस्तों मेरी मान लो कि 4000, और मेरी ओल्ड आरडीडी दोस्तों मान लो यहाँ पे 3000, राइट। तो ये सबका आंसर मेरा कितना आएगा बोलो, मेरा सबका आंसर दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 12000। कितना आ रहा है बोलो, यहाँ पे 12000 आ रहा है, राइट। तो ये 12000 मेरा कैसा फिगर आया बोलो, ये फिगर मेरा जो भी आई है मेरा पॉजिटिव फिगर है। कैसा है बोलो, पॉजिटिव आया, सही। तो इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कितना लिखूंगा बोलो, 12000 लिखूंगा, सही है। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल मेरे ओल्ड बैड डेट्स अगर 5000 है, मेरे न्यू बैड डेट्स अगर 6000 है, मेरे न्यू आईडीडी अगर 4000 है, और अगर मेरी ओल्ड आईडीडी मान लो फॉर एग्जाम्पल है 20000, कितनी बोलो 20000 है, राइट। तो इसका मतलब दोस्तों मेरा जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो मेरा निगेटिव 5000 आएगा, और फिगर कैसा है बोलो, निगेटिव है। मतलब मुझे कहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और फिगर मुझे कैसे लिखना है बोलो, पॉजिटिव लिखना है, राइट। मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में मैं पॉजिटिव 5000 लिखूंगा। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा बोलो, समझा कि नहीं बोलो। हाँ, और अगर आपके पास और एक ऑप्शन है, क्या मालूम है, आपका आंसर अगर निगेटिव है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी लिख सकते हो। लेकिन आप कैसे लिखेंगे बोलो, फिर निगेटिव 5000 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बोलो, निगेटिव 5000 लिखेंगे। आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। चलो वापस बोलता हूं, ध्यान देना, एक बार वापस रिवाइज करते ध्यान देना। देखो, बैड डेट्स ये दो टाइप के रहेंगे। अगर कोई भी बैड डेट्स अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसको अपन ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, और ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें होती है उसका सिंगल इफेक्ट जाता है, तो इसलिए ओल्ड बैड डेट्स का सिंगल इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। दूसरा, बैड डेट्स अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा तो उसको अपन न्यू बैड डेट्स बोलेंगे, और न्यू बैड डेट्स के दो एडजस्टमेंट होंगे, उसमें से पहला होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा होगा डेटर्स में से माइनस, राइट। वैसे ही
आरडीडी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो उसका आपको सिंगल इफेक्ट जाएगा, और वो आपका जाएगा ट्रायल ट्रेड, आपका कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर उन्होंने एडजस्टमेंट में अगर आरडीडी बोला होगा तो उसके दो इफेक्ट जाएंगे, पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और डेटर्स में से माइनस, राइट। और उसके बाद मैंने आपको बोला दोस्तों कि हमको ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एज अ बैड डेट्स करके डालना चाहिए, इसके लिए हमको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा बोलो, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बोलो जल्दी से एक बार मेरे पीछे बोलो, क्या, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। लास्ट बार भगवान के लिए जोरदार, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। और ये करने के बाद अगर आपका आंसर अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको कहां पे लिखना है, डेबिट में लिखना है, और अगर निगेटिव आता है तो कहां पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, राइट। इतना समझा क्या, बोलो यस और नो। आई होप आपको इतना तोड़ समझा होगा, यस और नो, आई होप आपको तोड़ समझा होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्या मैं आगे जा सकता हूँ क्या, बोलो, है ना, क्या मैं आगे जा सकता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको हर एक चीज समझ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। आगे क्या बोल रहे हैं वो, गुड्स ऑफ रुपीज 6000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, ओके। अभी आप मुझे एक बात बोलो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। वो क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ रुपीज 6000, कितने के गुड्स बेचे आपने, 6000 के गुड्स बेचे, लेकिन उसका कोई भी एंट्री हमने पास नहीं किया है, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे जो भी गुड्स उन्होंने सेल किया ना दोस्तों, उसको अपन क्रेडिट सेल एज्यूम करते, क्या करते बोले, इसको अपन क्रेडिट सेल एज्यूम करते, सही है। तो आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जब भी मैं क्रेडिट सेल करता हूं तो उसका जर्नल एंट्री क्या आता है रे, जब भी मैं क्रेडिट सेल करता हूं उसका जर्नल एंट्री क्या आता है बोलो, तो क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री आता है दोस्तों डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या आता है बोलो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सही है। तो जब भी दोस्तों आपके कंपनी ने अगर कुछ सेल किया होगा, अगर उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ रहेगा, तो उसके इफेक्ट दो आएंगे दोस्तों। उसका पहला इफेक्ट आपका जाएगा, वहां पे लिख के रखो, तो पहला इफेक्ट आपका आएगा दोस्तों एड इन टू द सेल्स, क्या करना है आपको, पहला एड इन टू द सेल्स करना पड़ेगा, और दूसरा दोस्तों आपको डेटर्स में भी एड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो आपको, डेटर्स में भी एड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, डेटर्स में भी एड करना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा बोलो, इसको अपन अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलेंगे, समझा। चलो बहुत अच्छा है, एकदम तोड़ जा रहे हो, ठीक है, एकदम तोड़ जा रहे हो, ठीक है, एकदम तोड़ जा रहे हो, ठीक है। चलो अभी फाइनली अपना आंसर सॉल्व करें, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, राइट, एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे एकदम बाप पढ़ाएंगे, ठीक है आपको, यस। अभी ध्यान देना, अभी आपको क्या करना है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, सही है। तो एक काम करो जल्दी से दोस्तों, आपके नोटबुक में जाओ फटक करके, आपके नोटबुक में जाओ फटाफट, एकदम फटाफट आपके नोटबुक में जाओ। चलो है ना, मैंने फॉर्मेट बना दिया है यहाँ पे, राइट, मैंने तो यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है, सही है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट, तो क्वेश्चन किसके बुक में करना है, देखो हमको क्वेश्चन किसके बुक में करना है बोलो, दया एंड क्षमा की, किसके बुक में करना है बोलो, दया एंड क्षमा, राइट। तो एक काम करो, आपके नोटबुक में जाओ और आपके नोटबुक में वहां पे लिखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे आप लिख के लो चाहिए तो, क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे आप लिखो आपके नोटबुक में, क्या लिखेंगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 3, राइट, ओके। अभी किसके बुक में कर रहे बोलो, इन द बुक्स ऑफ दया एंड कौन है बोले, दया एंड कौन है बोले जल्दी से, क्षमा, इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, समझा कि, इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा, सही है, इतना लिखा, ओके। अभी हमको क्या क्या बनाना है दोस्तों, तो हमको यहाँ पे बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, सही है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है, और नीचे मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों बैलेंस शीट भी बना दिया है, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, जो भी मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, वो कब का बनाना है बोलो, तो मुझे बनाना है दोस्तों यहाँ पे 31 मार्च 2019 का, कब का बनाना है बोलो, 31 मार्च 2019 का बनाना है, सही है। तो वहां पे आप भी लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, और फॉर्मेट क्या करेंगे बोलो, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, सही है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। देखो दोस्तों, जब भी आप आपके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको है ना बुक ऐसे लेना है, ऐसे पेजेस लेने, सही है। और जो भी आपका लेफ्ट पेज रहेगा उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है पूरा, और जो भी आपका राइट पेज रहेगा उसके ऊपर आपको बैलेंस शीट बनाना है, समझा। वापस बोल रहा हूं, आप जब भी फाइनल अकाउंट्स के, भले वो एडमिशन रहो, रिटायरमेंट रहो, है ना, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स रहो, डेथ ऑफ पार्टनर रहो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर रहो, जो भी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको लेफ्ट पेज जो भी है
उसके ऊपर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा फॉर्मेट बनाना है, और जो भी राइट पेज है उसके ऊपर आपको बैलेंस शीट बनाना है। ऐसे क्यों? तो गाइस यहाँ पे साइड साइड में क्या होता है ना, फटाफट लिखते आता है, पेज टर्निंग में टाइम नहीं जाता, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, आपको सुनना है तो आप सुन सकते हो, ठीक है ना। एक आधा पेज अगर आपका वेस्ट जाता भी है तो उसको छोड़ दो, लेफ्ट साइड में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, राइट साइड में आप बैलेंस शीट बना देना, ठीक है। जैसे बोल रहे ऐसे सुनेंगे तो जिंदगी में आगे जाएंगे, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो तो मैंने तो फॉर्मेट तो बना दिया, राइट, ओके। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट भी बना दिया और नीचे मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना दिया, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट भी बना दिया। बैलेंस शीट का भी आप फॉर्मेट क्या बनाएंगे बोलो, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट और एसेट्स अमाउंट अमाउंट, राइट। और ध्यान देना, देखो दोस्तों आपको टोटल मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के, 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, राइट। तो कल क्या करना दोस्तों, आप क्या करना, 10 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 10 बैलेंस शीट आप बना के लाना, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी सबसे पहले देखो जरा आपको क्या दिया यहाँ पे, फटाफट देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, देखो जल्दी से हमको स्टॉक दिया, राइट, ओके, ओपनिंग स्टॉक दिया। अभी ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा दोस्तों, चलो अभी फटाफट, अभी बिल्कुल टाइम पास है, अभी फटाफट जाऊंगा मैं, ठीक है। कहाँ पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सही है। तो मैं जाऊंगा मेरे नोट्स पे, है ना, मेरे नोटबुक पे जाऊंगा, वहां पे लिखूंगा दोस्तों मैं टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो, लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, सही है। और कितना था बोले जल्दी से फिगर दोस्तों, मेरा फिगर यहाँ पे था 65,000, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 65,000, आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है, आउटर कॉलम में लिखना है 65,000, लिखा लिखा के बोलो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है वो, बिल्स रिसीवेबल दिया, कितना दिया दोस्तों 28,000, राइट। अभी बिल्स रिसीवेबल कहां पे जाएगा रे आपने, यस आपने जाएगा वो बैलेंस शीट के करंट एसेट में, सही है। और अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में आपको बिल्स रिसीवेबल का एडजस्टमेंट दिया था, आपने टिक नहीं किया वो आपको समझाने की इसमें, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, सही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी है बिल्स रिसीवेबल है ना, इसके ऊपर आप एक काम करो, आप क्या कर दो, इसके ऊपर एक टिक कर दो, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर आप क्या कर दो दोस्तों, एक टिक कर दो फटाफट, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर आप एक क्या करो, एक टिक कर देना, ठीक है, ओके। और डेटर्स के ऊपर भी टिक कर देना दो, डेटर्स के ऊपर कितनी टिक करेंगे, दो, क्योंकि दो एडजस्टमेंट थे, ठीक है। अभी बिल्स रिसीवेबल कहां पे लिखेंगे दोस्तों अपन, अब बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे दोस्तों कहां पे लिखेंगे बोलो, बिल्स रिसीवेबल आप लिखेंगे दोस्तों आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सही है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों इनर कॉलम में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर कॉलम में क्या लिखूंगा बोलो, बिल्स रिसीवेबल, सही है। कितना लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल, कितना है देखो जल्दी से फटाफट, प्लीज जल्दी 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 मुझे बोलो, बिल्स रिसीवेबल कितना है दोस्तों मेरा 28,000, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, है ना। और इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट है ना बिल्स रिसीवेबल, तो इनर कॉलम में लिखना है 28,000, लिखा क्या इनर कॉलम में लिखना है 28,000, लिखा क्या, चलो बहुत अच्छे। आगे आगे क्या बोल रहा है, वेजेस एंड सैलरी कितना दिया दोस्तों 9,000, राइट। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और वेजेस एंड सैलरी कहां पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, वेजेस एंड सैलरी को लिखूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और वहां पे लिखूंगा मैं टू वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज, कितना आएगा बोलो 9,000, कितना आएगा बोलो 9,000, समझा कि नहीं समझा, यस और नो, क्लियर है, चलो बहुत अच्छा है। आगे सन्ड्री डेटर्स कितना दिया देखो, 1,32,500, सन्ड्री डेटर्स मुझे कितना दिया है 1,32,500, है ना। तो इसको अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब फिगर कहां पे लिखना है बोलो, बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिखना है, सही है। अभी एक बात समझ लेना, यहाँ पे जो भी आपको सन्ड्री डेटर्स के ऊपर उन्होंने एडजस्टमेंट दिए ना, वो कितने एडजस्टमेंट है बोलो, दो एडजस्टमेंट, मतलब दो टिक है, राइट। तो दो टिक मतलब चार लाइन छोड़नी है, सही है। तो मैं जाऊंगा दोस्तों मेरे आंसर में फटक करके, और यहाँ पे जाऊंगा एसेट में, है ना, और एसेट में जाके यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों सन्ड्री डेटर्स, और कितना है बोल सकते हो कि मेरे सन्ड्री डेटर्स मेरे मेरे 1,32,500 इनर कॉलम में लिखूंगा, सही है, इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से फटाफट, आगे क्या बोल रहे हैं वो, उन्होंने हमको दिया है बैड डेट, सही है। अभी ध्यान देना, बैड डेट्स के हमको उन्होंने एडजस्टमेंट भी दिए, ठीक है। तो ये जो भी बैड डेट्स, ये क्या करूंगा दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, कहां पे लिखूंगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक ही साथ बनाए, एक ही कॉलम एक ही अकाउंट में बनाए, सही है। तो ऊपर के 10 लाइन है ना ट्रेडिंग अकाउंट के लिए छोड़ देना, और उसके नीचे है दोस्तों आप आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों टू बैड डेट्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बोलो,
टू बैड डेट्स लिखता हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करो, ऊपर के 10 लाइन छोड़ दो और वहां पे फिर नीचे आप लिखो टू बैड डेट्स। कितना है बोले जल्दी से बैड डेट्स, मुझे बैड डेट्स कितना दिया था मेरा 1000 दिया, सही है। और अभी ध्यान देना दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन है ना, इधर आपको ओल्ड न्यू बैड डेट्स न्यू आईडीडी सबका एडजस्टमेंट करना है, सही है। तो इसका फिगर अपन लिखेंगे दोस्तों इनर कॉलम में, किधर लिखेंगे बोलो, इनर कॉलम। और ये बैड डेट्स के नीचे दोस्तों आपको चार लाइन छोड़नी, कितनी लाइन छोड़नी बोलो आपको जल्दी से, चार लाइन, राइट। तो एक दो तीन और चार लाइन आप छोड़ देना, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे इसके आगे लिखना, ठीक है, ओके। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो आगे क्या लिखा है दोस्तों, बात को समझ लो, ठीक है, आगे क्या लिखा है बात को समझ लो। आगे उन्होंने हमको दिया दोस्तों यहाँ पे परचेसेस, सही है। कितना दिया देखो परचेसेस उन्होंने, 1,48,000 परचेसेस, कितना दिया बोले दोस्तों उन्होंने हमको, 1,48,000 परचेसेस दिए, सही है। अब ये परचेसेस कहां पे जाएंगे दोस्तों, तो परचेसेस आपने जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कहां पे जाएंगे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, सही है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जाऊंगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में और वहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू परचेसेस, यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, लिखूंगा मैं टू परचेसेस। गाइज मुझे सच्ची सच्ची बोलो, सब लोग लिख रहे हो ना पक्का, आप मेरे सामने नहीं हो मुझे पता है, राइट। अगर आप मेरे क्लासरूम में रहते थे तो आपके ऊपर मैं बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देता था, राइट। लेकिन आप घर पे जो भी आप पढ़ के कर रहे हो, राइट, तो आप लिख तो रहे हो ना अच्छे से, मुझे ऐसा नहीं चाहिए दोस्तों। देखो आपके मम्मी पापा ने बहुत सारे पैसे दिए, राइट, है ना, 2000 रुपया भी मतलब भी बहुत बड़ी अमाउंट है, सही है ना, उनको भी बहुत मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया, राइट। तो आपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार आपने मुझे फीस दिया है और आप वहां पे मोबाइल पे कुछ खेल रहे हो लेक्चर देखते देखते, है ना। आपके मम्मी पापा को आप बोल रहे हो लेक्चर चल रहे हो, आप मोबाइल पे कुछ इंस्टाग्राम चला रहे हो साथ साथ में व्हाट्सएप चला रहे हो, साथ साथ में फेसबुक चला रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे प्रॉमिस करो ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, राइट, है ना। मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा अगर आप लेक्चर के साथ साथ अगर ऐसे कुछ कुटाने करते रहेंगे, तो नहीं कर रहे हो ना आप ऐसा कुछ, मुझे प्लीज बोलो, सच्ची सच्ची बोलो, है ना, सच्ची सच्ची बोलो, मतलब ये ना अपनी मेरे को आपको मेरी कसम है, राइट, आप ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, सही है। जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो पूरे सिंसेरिटी से सिर्फ लेक्चर देखेंगे, यस और नो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अभी देखो परचेसेस कितना दिया दोस्तों उन्होंने हमको, 1,48,000, राइट। तो इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, कहां पे लिखूंगा बोलो, इनर कॉलम में, क्यों, क्योंकि हमको परचेसेस के बाद में परचेस रिटर्न भी कुछ दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, हमको यहाँ पे परचेस रिटर्न वगैरह दिया है कि नहीं दिया है, देखो परचेस रिटर्न दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे बोले इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, समझा। चलो आगे देखो क्या बोल रहे हैं फटाफट, मोटर कार दिया है, कितना दिया बोले जल्दी से दोस्तों, मोटर कार हमको उन्होंने मोटर कार दिया दोस्तों यहाँ पे 68,000, राइट। अच्छा अभी मोटर कार कहाँ पे जाएंगे बोलो, हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट के, तो मैं एसेट में जाता हूँ, वहां पे लिखता हूँ दोस्तों मैं मोटर कार, यहाँ पे लिखता हूँ मोटर कार, राइट। अभी आप मुझे एक बात बोलो, क्या मोटर कार के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट दिया है, कह रहे मोटर कार के ऊपर कोई भी हमको एडजस्टमेंट दिया है क्या, बोलो नहीं दिया है, सही है। तो इसलिए जो भी मोटर कार का फिगर रहेगा वो कहां पे जाएगा बोलो, हमारे आउटर कॉलम में जाएगा, कहां पे जाएगा बोलो, आउटर कॉलम में। कितना जाएगा दोस्तों 68,000, कितना जाएगा बोलो 68,000 जाएगा, समझा क्या, यस और नो। चलो आगे फटाफट आगे देखो क्या बोल रहे हैं, मशीनरी कितना दिया देखो फटाफट, देखो 1,14,800, राइट। तो मशीनरी कहां पे जाएगा बोलो, आपके बैलेंस शीट के एसेट में, कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के एसेट में। कितना जाएगा बोलो 1,14,800। अभी मशीनरी के ऊपर टीक है क्या बोलो, टीक है, मतलब कहां पे लिखने का, इनर कॉलम में। तो इनर कॉलम में लिखो 1,14,800, समझा, समझा क्या बोलो। चलो बहुत अच्छे है। आगे ऑडिट फीस कितना है बोलो, 1200, कहां पे जाएंगे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना। तो ऑडिट फीस लिखो यहाँ पे 1200, कितना है बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, राइट, ओके। तो एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, सॉरी ट्रेडिंग नहीं, ऑडिट फीस ट्रेडिंग में थोड़ी जाती, येड़ा हो गया मैं, कहां पे जाती बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट, है ना। तुमको ये जब डांटता ना तो मेरा दिमाग किधर तो भी चले जाता है, सही है। तो यहाँ पे लिखता हूँ टू ऑडिट फीस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों टू ऑडिट फीस, सही है। कितना लिखूंगा बोले दोस्तों ऑडिट फीस में, ऑडिट फीस लिखूंगा मैं 1200, सही है। आउटर कॉलम में लिखता हूं मैं 1200 लिख दूंगा, ठीक है। चलो आगे फटाफट सब लोग मेरे साथ करो, ठीक है। आगे क्या लिखा देखो, सेल्स रिटर्न दिया है, कितना दिया बोले दिस उन्होंने, सेल्स रिटर्न वो बोल रहा है 2000, राइट। अच्छा अभी सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे रे अपन, सेल्स में से माइनस करेंगे, सही है, ओके। अभी सेल्स कहां पे रहते बोलो, सेल्स रहते दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर द टाइमिंग में यहाँ पे बाय सेल्स लिख देता हूँ, इसकी फिगर अपन बाद में लिखेंगे। और इसमें से मैं करता हूं माइनस सेल्स रिटर्न, इसमें से मैं क्या करूंगा बोलो, माइनस सेल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, ओके। अभी आप मुझे एक बात बोलो, हमारा सेल्स रिटर्न ये कितना है बोलो जल्दी से, मुझे जल्दी जल्दी बोलो, चलो हमारा कितना है बोलो, सेल्स रिटर्न का फिगर कितना है हमारा,
हमारा सेल्स रिटर्न का फिगर है दोस्तों यहाँ पे 2000, कितना है बोलो 2000 है, सही है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 2000, यहाँ पे माइनस करता हूं मैं 2000 माइनस करता हूं, ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो बहुत अच्छा है। आगे फटाफट आगे क्या बोल रहे हैं, देखो आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट दिया, कितना दिया बोलो उन्होंने जल्दी, डिस्काउंट यहाँ पे 2300 दिया, सही है। तो ये उन्होंने डेबिट में दिया, मतलब कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, है ना। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वहां पे लिखूंगा दोस्तों मैं टू डिस्काउंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो टू डिस्काउंट, और कितना लिखूंगा बोलो 2300, यहाँ पे लिखूंगा 2300, समझा समझा कि नहीं समझा बोलो, एकदम तोड़ समझ रहे ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी आगे आगे क्या बोल रहा है, वो बिल्डिंग कितना दिया बोला हमको 75,000, राइट। तो बिल्डिंग कहां पे जाएगा बोला, हमारे बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट में जाएगा, सही है। तो एक काम करता हूं दोस्तों, मैं जाता हूं मेरे फिक्स्ड एसेट में, यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों बिल्डिंग, यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों बिल्डिंग, और इसका फिगर मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मुझे एडजस्टमेंट दिया हुआ, इसके ऊपर मुझे क्या किया बोलो, एडजस्टमेंट दिया है, समझा के नहीं समझा, ओए समझा के नहीं, यस सर नो, कितना इजी गाइस है ना। चलो आगे कैश एट बैंक कितना है रे, 12,000 दिए, सही है। तो कहां पे जाएगा बोलो जल्दी से, मेरे करंट एसेट में, राइट। तो यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे लिखता हूं दोस्तों मैं कैश एट बैंक, यहां पे मैं लिखता हूं कैश एट बैंक, कितना लिखूंगा बोलो कैश एट बैंक, कितना लिखू बोलो जल्दी से मैं दोस्तों 12,000, है ना। और फिगर कहां पे लिखूंगा, आउटर में, फिगर कहां पे लिखूंगा बोलो, आउटर में लिखूंगा 12,000, समझा क्या रे, समझा क्या बोलो जल्दी से, यस और नो। चलो आगे 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, राइट। अच्छा आप मुझे एक बात बोलो, 10% इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने क्या बोला था आपको, हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब एक काम करते सुनो, अपन क्या करते दोस्तों, ये जो भी 10% इन्वेस्टमेंट, ये अपना एसेट तो है, तो मैं क्या करता हूं पहले इसको एसेट साइड में लिख लेता हूं, यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिख देता हूं एसेट में 10% इन्वेस्टमेंट, सही है। इसके एडजस्टमेंट है, मैं आपको बोलता हूँ क्या है, राइट। लेकिन आप मुझे बोलो इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो 20,000, इसका फिगर इनर कॉलम में लिखना दोस्तों, कहां पे लिखेंगे आप, इनर कॉलम में लिखेंगे, सही है। अभी बात को समझ लेना, देखो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमको देते टाइम क्या दिया बोलो, उन्होंने प्लीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लीज ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमको क्या दिया देखो, उन्होंने हमको बोला है दोस्तों यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट, क्या बोला है बोलो, 10% इन्वेस्टमेंट बोला है, सही है। अभी ध्यान देना, तो इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का है बोला अपना, 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, सही है। और इसके ऊपर हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोल रहा है वो 10%, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे उन्होंने हमको इन्वेस्टमेंट का डेट दिया है क्या, नहीं दिया है, सही है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट हमने ओपनिंग मैच किया है, ठीक है। अभी आप मुझे बोलो, जब भी मैं कहीं पे भी अगर 20,000 अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उसके ऊपर मुझे कितना अमाउंट मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए दोस्तों रिटर्न में 10%, राइट। मतलब दोस्तों मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे 2000 रुपीज का इंटरेस्ट, कितना मिलना चाहिए बोलो मेरे को, 2000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो, उन्होंने हमको ऐसे कुछ बोला है क्या बोलो, कि ड्यूरिंग द ईयर यू हैव रिसीव्ड 2000 का इंटरेस्ट, क्या आपको ऐसे कुछ बोला है क्या बोले जिसे उन्होंने, आपको उन्होंने ऐसे बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर आपको 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, नहीं दिया, राइट। तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, क्या बोले, इसका मतलब हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मतलब क्या, जो इंटरेस्ट मेरे को करंट ईयर में मिलना चाहिए तो नहीं मिला, है ना। तो इसके दो इफेक्ट जाते हैं, इसके कितने इफेक्ट जाते हैं बोलो, दो इफेक्ट जाते हैं। पहला इफेक्ट जाता है दोस्तों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा दोस्तों हमारे बैलेंस शीट के एसेट में, क्यों, क्योंकि ये पैसा हमको आने वाला है, ये पैसा हमको क्या बोलो, आने वाला है, समझा के नहीं समझा बोलो, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट जो भी ना 10% इन्वेस्टमेंट, इसमें मैं करूंगा एड accrued interest, क्या करूंगा बोलो, add accrued interest, कितना बोलो 2000, right? और इसका figure में क्या करूंगा बोलो, outer column में लिख दूंगा 22,000, सही है। और इसका second effect कहाँ पे दूंगा बोलो, profit and loss account के credit में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों by accrued interest, profit and loss में लिख रहा हूं क्या, by accrued interest, कितना लिखूंगा बोलो 2000, कितना लिखूंगा बोलो 2000, समझा के नहीं समझा, समझा के नहीं समझा बोलो मेरे यारो, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए यार, समझा के नहीं, प्लीज रिस्पॉन्स करो, चलो फास्ट, समझाना एकदम अच्छे से, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, चलो बहुत अच्छे। आगे आगे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं वो, आपने एडवर्टाइजमेंट पे किया, कितना बोलो 9 मंथ्स का 4,500, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जो भी ये प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं बोलो, जो भी यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, या जो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, या जो भी हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हम किसके लिए बना रहे बोलो, तो ये हम बना रहे दोस्तों 1 अप्रैल 18 से लेके
31 मार्च 19 के लिए, राइट। इसका मतलब दोस्तों जो भी हम बैलेंस शीट बना रहे वो हम 12 मंथ्स के लिए बना रहे, सही है। जो भी हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे पार्टनरशिप का, हम 12 मंथ्स का बना रहे, राइट। अभी वो क्या बोल रहा दोस्तों कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर पे किया, और वो भी हमने 9 मंथ्स का पे किया। कितने मंथ का पे किया बोलो, 9 मंथ्स का पे किया। वो बोल रहा है कितना पे किया, 4500, सही है। अच्छा आप मुझे एक बात बोलो, अभी अगर उन्होंने 9 मंथ्स के लिए अगर उन्होंने 4500 अगर पे किए होंगे, तो क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि बोलो उन्होंने एक मंथ के लिए उन्होंने दोस्तों यहाँ पे 500 रुपीज पे किए होंगे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बोलो। अगर वो बोल रहा है कि 9 मंथ्स के लिए अगर उन्होंने 4500 पे किए है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि दोस्तों कि उन्होंने दोस्तों आपको पर मंथ इंडिविजुअल मंथ के लिए उन्होंने 500 रुपए पे किया होगा, यस और नो। और आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि जो भी आपका करंट अकाउंटिंग ईयर होता है, वो अकाउंटिंग ईयर में आपके 9 मंथ्स होते क्या 12 मंथ्स होते, बोलो। आपके होते 12 मंथ्स, है ना। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं क्या दोस्तों कि आपके अगर करंट अकाउंटिंग ईयर में अगर 12 मंथ्स है, इसका मतलब उन्होंने जो भी एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करना चाहिए था, जो भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना चाहिए था, वो उन्होंने 12 महीने का करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कितने किया, कितने महीने का बोलो, 9 मंथ का किया। मतलब क्या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि बोलो कि जो भी पैसा उन्होंने 12 महीने का पे करना चाहिए था, वो पैसा उन्होंने 9 महीने का ही पे किया। इसका मतलब दोस्तों हमारा 3 मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर हमारा पेंडिंग है या हमारा ड्यू है, क्या है बोलो, पेंडिंग है या ड्यू है। क्योंकि हमने, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बाबा हमने 12 महीने का पूरा एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन हमने उसमें से जो भी पेमेंट किया वो सिर्फ 9 मंथ्स का किया, राइट। इसका मतलब 3 मंथ का हमारा पेमेंट ये देना बाकी है, ड्यू है। समझा कि नहीं समझा बोलो, समझा क्या नहीं बोलो। तो इसका इफेक्ट क्या आता है ध्यान देना, तो इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपका ये 3 मंथ का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर आपका ड्यू है ना, बाकी है ना, इसके अपन दोस्तों 2 इफेक्ट देंगे, सही है। उसमें से पहला इफेक्ट अपन देंगे दोस्तों, उसको अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपन उसको ऐड करेंगे, और दूसरा अपन इसको करेंगे दोस्तों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपन इसको बताएंगे। समझा कि नहीं समझा बोलो। अभी आप मुझे बोलो दोस्तों, अगर 1 महीने के लिए अगर हमको 500 रुपये अगर देना होता है, तो 3 महीने का कितना होगा बोलो, हमको देना बाकी है 1500 रुपए, सही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी है 1500 है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऐड करेंगे, और दूसरा अपन इसको क्या करेंगे बोल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में बताएंगे। समझा कि नहीं समझा। अरे एकदम इजी, एकदम आहिस्ते आहिस्ते, एकदम आराम आराम से रहेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो भी मेरा यहाँ पे या जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों, क्या लिखूंगा बोलो, टू एडवर्टाइजमेंट। टू क्या करूंगा बोलो, एडवर्टाइजमेंट। इनर कॉलम में लिखूंगा 4500, और इसमें मैं ऐड करूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड क्या बोलो, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। और कितना आएगा बोलो आउटस्टैंडिंग मेरा, जल्दी से यहाँ पे 1500, और इसका टोटल क्या कहाँ पे लिखूंगा बोलो, बाहर कितना लिखूंगा बोलो, यहाँ पे 6000, राइट। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, समझा। और कितना लिखूंगा बोलो, 1500, समझा कि नहीं समझा। ओए मेरे यारो, देखो यार मैं वापस बोल रहा हूं एकदम ध्यान से, आप मुझे सच्ची सच्ची बोलो, आपको मजा आ रहा है क्या लेक्चर में, है ना। नहीं तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ बैच, अगर आपको मजा नहीं आता रहेगा तो अपन कैंसिल कर देंगे, राइट। वैसे कुछ नहीं है ना, आपकी फीस भी मैं दे दूंगा, है ना। अगर आपको लगता रहेगा मजा नहीं आ रहा तो फिर कैंसिल कर देते बैचेस, कैंसिल, है ना। क्योंकि मेरे को आप में जोश नहीं दिखता, एनर्जी नहीं दिखती आप पढ़ रहे हो करके ना, आप पढ़ रहे ऐसे एनर्जी नहीं लगती बाबा मेरे को। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, यस और नो, आपको आ रहा है ना पक्का गाइस। मतलब देखो यार मेरे को सच में नहीं समझ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। आपको समझ तो रहा है ना एकदम अच्छे से, यस और नो, एकदम अच्छे समझ रहे ना गाइस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या बोलो, सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर जा रहा है, हर एक एडजस्टमेंट आपको दिमाग में बैठ रही क्या। चलो बहुत अच्छा है ना, ओके बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, आगे आगे जान दो, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आगे देखो रॉयल्टी दिया, राइट। अभी देखो रॉयल्टी कितना है रे, 3000। रॉयल्टी कहाँ पे जाएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, सही है। तो मैं जाऊंगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में, और वहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों टू रॉयल्टी। यहाँ पे क्या करता हूं बोलो, मैं लिखता हूं टू रॉयल्टी, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों टू रॉयल्टी, टू रॉयल्टी, सही है ना। कितना आएगा बोले दोस्तों, यहाँ पे रॉयल्टी कितना जाएगा बोले जैसे मेरा,
ओके चलो, रॉयल्टी कितना जाएगा बोलो मेरा? 3000, राइट? तो 3000 में लिखूंगा दोस्तों आउटर कॉलम में, ठीक है? 3000 लिखूंगा मैं आउटर साइड में, सही है? चलो अभी अपन ने क्या किया रे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड अपन ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? चलो अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, क्रेडिट साइड पे जाते जा रहा। देखो सबसे पहले क्या दिया, देखो जल्दी सुनो, ने हमको जनरल रिजर्व दिया है, कितना दिया बोलो? 14,500। कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है? तो मैं जाता हूँ दोस्तों बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है? और यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं जनरल रिजर्व, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना आएगा बोलो? चलो जनरल रिजर्व का फिगर बोलो जल्दी से, कितना आएगा दोस्तों मेरा? 14,500। आउटर में लिखता हूँ 14,500, आउटर में लिखता हूँ 14,500। समझा कह रहे? समझा कि नहीं समझा बोलो। चलो आगे, कैपिटल बैलेंसेस दिए, कितने दिए बोलो? 1,60,000 एंड 1,20,000, ठीक है? अभी हमेशा रखना दोस्तों आप, प्लीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब भी आप यहाँ पे कैपिटल लिखते हो ना गाइस, जब भी आप यहाँ पे कैपिटल लिखते हो ना, है ना, तो यहाँ पे आपको दो पार्टनर के नाम लिखने, कौन से बोलो? दया, और दूसरा कौन है बोले यहाँ पे? शमा। दूसरा कौन है बोले यहाँ पे? शमा, राइट? अभी जब भी आप कैपिटल लिखेंगे दोस्तों, आपको इनके कैपिटल इनर कॉलम में लिखने, कहाँ पे लिखने बोलो? हमेशा इनर कॉलम में लिखने, सही है? तो आप मुझे जल्दी से बोलो, दया का कितना कैपिटल है दोस्तों? दया का कितना कैपिटल है बोलो? 1,60,000, और शमा का कितना है? 1,20,000, सही है? तो इनर कॉलम में यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं 1,60,000, और यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं 1,20,000, 1,60,000, 1,20,000, समझा कह रहे? समझा क्या बोले जल्दी से, यस और नो? चलो आगे फटाफट, है ना, आगे चलो फटाफट, जरो जरो क्या लिखा है आगे? क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया बोला आपको? 98,000, राइट? क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएंगे बोला आपके? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा बेटा। क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा बोला आपके जल्दी से? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, कितना दिया बोला आपको? 98,000, राइट? तो मैं जाता हूँ बैलेंस शीट में, और वहां पे लाइबिलिटी में लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रेडिटर्स, कितना आएगा बोले जल्दी से? क्रेडिटर्स कितना आएगा बोले जल्दी दोस्तों मेरे? यहाँ पे 98,000, यहाँ पे लिखता हूँ बाहर में 98,000, बाहर लिखता हूँ मैं 98,000, सही है? चलो आगे फटाफट, आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आरडीडी दिया, उन्होंने क्या दिया देखो हमको जल्दी से? आरडीडी दिया, राइट? अभी देखो मैंने आपको क्या बोला रे, जो भी आरडीडी होता है, राइट, वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, राइट? लेकिन आप एक बात देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट में ना हमको, यहाँ पे उन्होंने आरडीडी के भी एडजस्टमेंट दिया, राइट? तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो भी आरडीडी है ना, सुनो, ये जो भी आरडीडी है ना, ये हमारा ओल्ड आरडीडी के न्यू आरडीडी है, मुझे प्लीज आप इतना बोलो, जो भी हमारा आरडीडी है दोस्तों, ये हमारा ओल्ड आरडीडी है या न्यू आरडीडी है, प्लीज मुझे बोलो, जो भी हमको ये आरडीडी दिया है, ये हमारा ओल्ड आरडीडी है या न्यू आरडीडी है, प्लीज मुझे बोलो, ये हमारा ओल्ड आरडीडी है, सही? तो ओल्ड आरडीडी को मैंने क्या बोला आपको, देखो यहाँ पे फॉर्मेट में, है ना, मैंने आपको फॉर्मेट में सिखाया ना, अभी देखो किधर गया रहे हो, फॉर्मेट मेरा किधर गया है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख के दिया बोले जल्दी से? आप ओल्ड आरडीडी को क्या करते अपन, ओल्ड आरडीडी को क्या करते बोला अपन? बैड डेट्स में से माइनस करते। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं जाऊंगा यहाँ पे बैड डेट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस के बैड डेट्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं करूंगा माइनस, क्या करूंगा बोलो? माइनस ओल्ड आईडीडी, क्या करूंगा बोलो? माइनस ओल्ड आईडीडी, कितना जाएगा बोलो? ओल्ड आईडीडी कितना दिया मुझे देखो जल्दी से यहाँ पे फटक करके, ओल्ड आईडीडी मुझे यहाँ पे दिया दोस्तों 1800, राइट? तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये 1800 को मैं लिखूंगा माइनस में, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1800, 1800 मैंने माइनस कर दिया, समझा? चलो बहुत अच्छा है, आगे सेल्स कितना दिया बोलो? 2,85,500, कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? तो मैं जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स के क्रेडिट में लिखता हूँ, यहाँ पे कितना लिखना है बोलो मुझे जल्दी से? 2,85,000, कितना है बोलो? 500। इनर में लिखता हूँ 2,85,500, 2,85,500, समझा करे? समझा के नहीं समझा बोलो मेरे यार, जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्स करो, समझा ना एकदम अच्छे से? कोई डाउट, कोई डाउट बोलो, नहीं ना, चलो बहुत अच्छा है। आगे देखो जल्दी से, आगे क्या लिखा है देखो उन्होंने, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए, सही है? अभी ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे ट्रायल बैलेंस से, तो कहाँ पे जाएगा बोलो इसको? अब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, राइट, कि कौन सी फिगर आपको कहाँ पे लिखनी है और क्यों लिखनी है, तो ये कहाँ पे जाएगा बोलो आपके? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, सही है? तो मैं जाता हूँ लाइबिलिटी साइड में, मैं जाता हूँ लाइबिलिटी साइड में, है ना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखता हूँ, कितने लिखूँ बोलो? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने आएंगे बोलो मेरे? 700। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने आएंगे बोलो? 700, सही है? चलो आगे क्या लिखा देखो जल्दी से उन्होंने, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न को क्या करने का? परचेस में से माइनस करने का, कितना बोलो? 4,000। तो जाओ जल्दी से आपके परचेसेस के ऊपर, परचेस में जाओ, और वहां पे लिखो लेस लेस परचेस रिटर्न, वहां पे लिखो लेस परचेस रिटर्न, लेस परचेस रिटर्न, कितना माइनस कर रहे हो बोलो आप?
4000 माइनस कर रहे हो, सही है। चलो इसका फिगर कहां पे जाएगा, बोलो 1,44,000 आउटर में जाएगा, 1,44,000 आउटर में जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहे, डिस्काउंट। अच्छा अभी ये डिस्काउंट हमको कहां पे दिया उन्होंने, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड, मतलब कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों बाय डिस्काउंट, यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय डिस्काउंट। और कितना दिया देखो दोस्तों उन्होंने जल्दी से, 1800, कितना दिया बोलो, 1800 दिया है, सही है। हमने क्या किया रे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया, हमने क्या किया बोलो, ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर दिया, सही है। चलो अभी जल्दी से आए दोस्तों एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है ओके। अभी देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया देखो जल्दी से हमको, उन्होंने सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया 40,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट करंट एसेट, ठीक है। तो मैं जाता हूं दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता हूं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दिया देखो जरा मुझे यहाँ पे जल्दी से, क्लोजिंग स्टॉक मेरे को दिया है 40,000, राइट। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो जल्दी से मुझे, एसेट साइड में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों मैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखता हूं मैं एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखूंगा बोलो 40,000, कितना लिखूंगा बोलो 40,000, समझा क्या रे, ओए समझा क्या। चलो बहुत अच्छे, आगे डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%, ठीक है। चलो बिल्डिंग में जाओ जल्दी से, फटक करके जाओ बिल्डिंग में, है ना ओके। बिल्डिंग में जाओ, वहां पे करो लेस डेप्रिसिएशन, वहां पे करो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम, सही है। चलो तो मुझे 75,000 का दोस्तों 5% बोलो, मुझे जल्दी जल्दी बोलो, चलो 75,000 का 5% मुझे बोलो, कैलकुलेट करो, मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 3750, राइट। तो इसको माइनस करूंगा, इसका जो भी फिगर आएगा उसको मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा 71,250। और डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू डिप्रिसिएशन, और किसके ऊपर है बोले जल्दी से, सबसे पहले यहाँ पे किसके ऊपर किया अभी मैंने, बिल्डिंग के ऊपर किया ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों बिल्डिंग के ऊपर का कितना था बोलो जल्दी से, कितना था बोलो जल्दी से मेरे यहाँ पे 3750। इनर में लिखना है, कहाँ पे लिखना है आपको, ये इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है, समझा कह रहे, यस और नो प्लीज बोलो। आगे हमको और किसके ऊपर करना है बोलो, मशीनरी के ऊपर, कितना करना है 3%, राइट। चलो मशीनरी का फिगर जो है बोले जल्दी से मुझे कितना है, 1,14,800, राइट। तो एक काम करो ना, करो फिर, चलो 1,14,800 के ऊपर आपको 3% डिप्रिसिएशन लेना है, सही है। तो कितना आ रहा है वो, मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 3444, राइट। इसको मैं माइनस करूंगा, इसका जो भी फिगर है मैं आउटर कॉलम में लिख दूंगा माइनस करके, 1,11,356, राइट। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूं मशीनरी, कितना बोलो 3444, है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों का टोटल मैं बाहर फेंक दूंगा, तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है बोले जल्दी से मुझे, मेरा दोनों का टोटल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 7194, कितना आ रहा है बोले यहाँ पे 7194, समझा कह रहे। अरे इजी के टफ है गाइस, इजी के टफ है बोलो, एकदम इजी है, ठीक है ना। चलो आगे चलो जल्दी से, आगे क्या बोल रहे देखो, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल। तो इसके एडजस्टमेंट मैंने आपको क्या बोला बोलो, जब भी बिल्स रिसीवेबल का ऐसा होगा तो इसका एडजस्टमेंट मैंने आपको क्या बोला बोलो जल्दी से, मैंने आपको इसका बोला पहले क्या करना है आपको, डेटर्स में से माइनस करना है, पहले आपको क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला बोलो जल्दी से, डेटर्स में एड करना है, सही है। चलो तो जल्दी से जाओ दोस्तों आपके बिल्स रिसीवेबल में, फटक करके जाओ आपके बिल्स रिसीवेबल में, है ना। बिल्स रिसीवेबल में आप यहाँ पे करो माइनस, क्या करेंगे बोलो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल आपका डिसऑनर होगा, है ना, इतना तो वो माइनस कर दो। कितना माइनस करेंगे बोलो, 3000 माइनस कर देंगे, तो बचा कितना बोलो 25,000। तो 25,000 में आउटर में लिख दूंगा, है ना। और दूसरा क्या करेंगे बोलो, अपन डेटर्स में ऐड करेंगे, तो डेटर्स में यहाँ पे करता हूं दोस्तों ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, राइट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ये क्या रहता है ना, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में सिखा दूंगा, आप भी के लिए इतना याद रखो, जब भी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस होगा और डेटर्स में ऐड होगा, समझा, आप भी इतना याद रखो, ठीक है, प्लीज इतना याद रखो। इसका क्या रहेगा, क्योंकि अब भी अगर मैं बोलते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए अब भी के लिए इतना याद रख देना, ठीक है। चलो आगे आगे चलो जल्दी से, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टेकन बाय दया, मतलब मैंने आपको क्या बोला बोले जल्दी से, इसका एडजस्टमेंट मैंने आपको लिख के दिया था, क्या लिख के दिया बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और कैपिटल में से माइनस करने का, सही है। चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाओ जल्दी से, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाओ फटक करके,
अब वहां पे लिखो बाय ड्रॉइंग्स, वहां पे लिखो जल्दी से बाय ड्रॉइंग्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, बाय ड्रॉइंग्स हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखो बाय ड्रॉइंग्स, है ना। कौन कर रहा है बोलो ड्रॉइंग्स, है दया कर रही है, ठीक है। दया कितना है बोलो 1000, सही है। और दूसरा कहाँ पे जाएगा बोलो, दूसरा मेरे जाएगा दोस्तों कैपिटल में से माइनस, राइट। तो दया का जो भी कैपिटल है दोस्तों उसमें से आप माइनस कर दो, लेस ड्रॉइंग, इसमें से आप क्या कर दो बोलो, माइनस कर दो। कितना माइनस करेंगे यहाँ पे 1000, कितना माइनस करेंगे बोलो 1000 माइनस करेंगे। कुछ भी मत करना अभी तक, इसका फिगर विगर का कुछ भी टोटल वगैरह मत करना, इसका कुछ बाहर मत लिखना अभी, ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से, आगे देख क्या बोल रहे हैं, राइट ऑफ 1800। एक काम करो सुनो, ये जो भी एडजस्टमेंट नंबर 5 है ना दोस्तों, ये अपन एडजस्टमेंट नंबर 6 के बात करेंगे, क्यों आपको समझ जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 5 अपन एडजस्टमेंट नंबर 6 के बात करेंगे, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है वो, गुड्स वर्थ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज पास, ठीक है। तो मतलब क्या, हमने क्रेडिट सेल किया लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो क्रेडिट सेल किया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं किया मतलब क्या होगा बोलो, हमारे हमारा सेल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते दोस्तों एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे क्या करते बोलो एड अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है बोले जल्दी दोस्तों, वो है अपना 6000, राइट। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा दोस्तों, मेरे डेटर्स में ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, मेरे डेटर्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता दोस्तों, मेरे जो भी यहाँ पे डेटर्स है ना, कितने बोलो, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऐड अनरिकॉर्डेड, यहाँ पे करता हूँ ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे करता हूँ ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना आएगा बोले जल्दी दोस्तों, वो आएगा मेरे यहाँ पे 6000, कितना आएगा बोले जल्दी दोस्तों, 6000 आएगा, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों 6000, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों 6000, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल्स मैंने 6000 लिख दिया, इतना समझा। ओए समझा कि नहीं समझा बोलो, यस और नो, पक्का समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो प्लीज बोलो। चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे देखो, अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, देखो क्या बोल रहे हो, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स, ठीक है। अभी ध्यान देना दोस्तों, बात को समझ लेना, जब भी आप न्यू आईडीडी करते हो, जब भी आप न्यू आईडीडी करते हो दोस्तों, वहां पे लिख के रखो, नोटबुक में लिखो, बाबा मुझे डर लगता है आपका, है ना, मुझे आपका बहुत डर लगता है क्योंकि आपको पता नहीं रहता ये छोटी छोटी चीज है, ठीक है। वहां पे आप लिख के रखो दोस्तों, न्यू आईडीडी हमेशा हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर किया जाता है, गुड डेटर्स के ऊपर किया जाता है, ठीक है। अभी नीचे लिखो गुड डेटर्स मतलब क्या, तो गुड डेटर्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस ऑल डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, ऑल डेटर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट माइनस न्यू बैड डेट्स। ये होने के बाद आपको जो भी फिगर मिलता है ना दोस्तों, ये आपका फिगर रहता है दोस्तों गुड डेटर्स, कौन सा रहता है बोला, आपका गुड डेटर्स होता है, कौन सा होता है बोला, आपका जल्दी से गुड डेटर्स होता है, सही है। और ये जो भी फिगर आएगा इसके ऊपर आपको क्या करना है दोस्तों, न्यू आईडीडी क्रिएट करना है, इसके ऊपर आपको क्या करना है बोलो, न्यू आईडीडी आपको क्रिएट करना है, समझा। वापस बोल रहा हूं, आपके जो भी डेटर्स रहेंगे उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स, बिल्स रिसीवेबल का जो भी हो सब एडजस्टमेंट कर देने का, तो आपको सच्ची मुच्युअल डेटर्स मिलेंगे, उसमें से आपको नया बैड डेट्स माइनस करने का, फिर आपको गुड डेटर्स मिलेंगे, तो गुड डेटर्स के ऊपर आपको न्यू आईडीडी का प्रोविजन करने का, समझा। चलो बहुत अच्छा है, अभी देखो न्यू बैड डेट्स कितने आ रहे, देखो जैसे मुझे यहाँ पे 1800 दिए, राइट। ओके चलो, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, डेटर्स में से पहले यहाँ पे 1800 माइनस करता हूं, माइनस न्यू बैड डेट्स कितने करूंगा बोलो 1800, ठीक है। और ये करने के बाद जरा मुझे डेटर्स बोलो कितने आ रहे, ये करने के बाद जरा मुझे डेटर्स बोलो कितने आ रहे, फटक करके फटाफट बोलो। चलो मुझे मुझे पता है गाइस आपका हुआ रहेगा, आप लोग सब लोग होशियार लोग हो, राइट। मैं कैसे एकदम, मेरे को अकाउंट्स आता ही नहीं ना, मेरे को किधर अकाउंट्स आता, राइट, है ना, मेरे को तो अकाउंट्स आता ही नहीं, राइट, है ना। मेरा है दोस्तों 1,39,700, सही है। और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा दोस्तों, न्यू प्रोविजन क्रिएट करूंगा, कितना करूंगा बोलो 5%, राइट। तो इसके ऊपर मैं 5% क्रिएट करूंगा, 1,39,700 इंटू 5%, तो मेरा आएगा दोस्तों यहाँ पे 6,985। और ये माइनस करके जो भी मेरा फिगर आएगा ये मैं आउटर में लिखूंगा डेटर्स का, तो मेरे डेटर का फाइनल फिगर आ रहा है दोस्तों 1,32,715। यहाँ पे मैं करूंगा लेस न्यू आईडीडी, लेस न्यू आईडीडी एट द रेट कितना बोलो 5%, सही है।
ओके, और जो भी है न्यू बैड डेट से और जो भी है न्यू आईडीडी, इसका इफेक्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दूंगा। समझा, ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? चलो, तो यहाँ पे मेरे न्यू बैड डेट्स कितने थे बोलो जल्दी से। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो ना आप, मैंने आपको फॉर्मेट बोला था, क्या बोला था बोलो? ओल्ड बैड डेट्स, क्या बोला था बोलो? ओल्ड बैड डेट्स प्लस क्या बोला था बोलो मैंने आपको? न्यू बैड डेट्स प्लस क्या बोला था मैंने आपको? न्यू बैड डेट्स प्लस क्या बोला था बोलो? प्लस न्यू आईडीडी, प्लस क्या बोलो? न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, ऐसे कुछ बोला था ना। तो न्यू बैड डेट्स कितने थे? 1800। और अभी न्यू आईडीडी अपन निकाला था वो कितना था बोलो? 6985, राइट। और ये करने के बाद मैंने आपको क्या बोला था? अगर फिगर पॉजिटिव आते तो आपको कहां पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो देखो जरा फिगर पॉजिटिव के निगेटिव है, प्लीज मुझे बोलो जल्दी। फिगर पॉजिटिव के निगेटिव मुझे जल्दी जल्दी बोलो। चलो, फिगर पॉजिटिव के निगेटिव है, फिगर पॉजिटिव है तो कितना आएगा पॉजिटिव यहाँ पे? 7985। समझा क्या? समझा ना? तो इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही रहने दूंगा। समझा कि नहीं समझा? इतना इजी रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बैड डेट्स के एडजस्टमेंट को बहुत डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है? ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी करना है। ये होने के बाद अगर फिगर पॉजिटिव आए तो आपको कहां पे लिखना है? डेबिट में, और निगेटिव आए तो क्रेडिट में लिखना है। समझा? चलो, अभी अपन ने सब कुछ एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है। जितने भी एडजस्टमेंट थे अपन ने सब कुछ कर लिए, ठीक है। अभी क्या करो दोस्तों, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो, और ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके मुझे बोलो कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है, ठीक है। मुझे जल्दी से बोलो, फटाफट फटाफट बोलो। कितना आ रहा है देखो जरा यहाँ पे फिगर, मेरा सेल का फिगर देखो कितना आ रहा है। पहले 289,500 आ रहा है मेरा सेल। इसमें मैं ऐड करूंगा 289,500 प्लस 41,000, कितना आएगा बोलो? 330,500। तो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों मैं 330,500। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखूंगा बोलो? यहाँ पे लिखूंगा ना 330,500। इसमें से मैं क्या करूंगा, डेबिट में जितने भी फिगर से सबको माइनस करूंगा, तो मेरा आएगा -74,000 -9,000 -144,000 -3,000। तो मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 1,00,000, बराबर तो चल रहा है ना? एक मिनट, मेरा शायद टोटल गलत हो गया। 330,500 -65,000 -9,000 -144,000 -3,000, कितना आ रहा है? 1,09,500 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, कितना आएगा बोलो? 1,09,500। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे रे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना बोलो? 1,09,500। अभी क्या करो बोले जल्दी से। चलो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल लो फटाफट, है ना, इसका टोटल लो जल्दी से। चलो, है ना, 1,09,500 प्लस 3,800, तो मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 1,13,300। यहाँ पे भी आएगा 1,13,300। इसको मैं क्या करूंगा बोलो? मैं इसमें से ये जो भी डेबिट की फिगर से सब कुछ ये माइनस करूंगा, है ना। तो कितना आएगा बोलो? चलो इसमें से माइनस करो जल्दी से फटाफट, इसमें से प्लीज माइनस करो फटाफट, ठीक है। ओके, चलो, तो माइनस करो -7,985 -1,200 -2,300 -6,000 -7,194 7,194, तो कितना आएगा बोले जल्दी से? 7,194 माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता होगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता होगा दोस्तों 88,621, राइट। ये आपका नेट प्रॉफिट आया, सही है। लेकिन ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया ना दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? आपके पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और पार्टनर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन? इक्वली। तो 88,621 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बोलो? यहाँ पे 2 करूंगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पे 44310 और 44311, 1 रुपए का चॉकलेट खा लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा दया को और दूसरा दूंगी यहाँ पे मैं क्षमा को, राइट। ये प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दूंगा और उनके कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे मैं करूंगा एड नेट प्रॉफिट, कितना आएगा बोलो? 44310, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा बोलो जल्दी से? यहाँ पे एड नेट प्रॉफिट कितना आएगा बोलो? 44311, है ना। अभी इसका टोटल क्या कर दो बोलो? बाहर फेंक दो, है ना। तो 1,60,000 1,60,000, समझा। प्लस कितना आएगा बोलो? 44,310 -1,000, तो इसका कितना आएगा यहाँ पे? 23,310, समझे? 23,310 आएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा बोलो जल्दी से? 1,00,000
24,000, नहीं कितना आएगा, 1,64,311, समझा कह रहे, समझा कि नहीं समझा बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 23,310 प्लस 1,643 प्लस 1,6 क्या है बोलो, 1,64,311 प्लस, सबका टोटल करो चलो जल्दी से, प्लस 14,500 प्लस 98,000 प्लस 700 प्लस 1,500, सही है। तो सबका टोटल कितना आ रहा है देखो बैलेंस शीट का, मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 4,82,321, राइट। ओके, अभी एसेट का भी उतना आ रहा है क्या देखो जरा फटक करके, चलो है ना, 68,000 प्लस 111,356 प्लस कितना आ रहा है बोलो, 71,250 प्लस 22,000 प्लस 132,715 प्लस 25,000, तो मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे वन प्लस इसमें आएगा और कितना करना है बोलो मुझे, 52,000। तो मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 4 लाख, मेरा कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 4,82,231, समझा कह रहे। तो मेरा बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया, मेरा बैलेंस शीट क्या हो गया बोले यहाँ पे टैली हो गया, समझा कि नहीं समझा बोलो, यस और नो। जब भी अपन सॉल्व करते तो बैलेंस शीट तो टैली होना ही है, राइट। ओके, क्या आपको समझा कि नहीं समझा गाइस? देखो मुझे पता है ये सब में हमारा लगभग 2 घंटे गए, मुझे पता है, कोई टेंशन है, ठीक है गाइस। देखो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करे वो आप कैसे कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो क्या? तो क्या आपको ये क्वेश्चन जो भी अपन एकदम आराम आराम से सॉल्व किया, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बैड डेट्स के एडजस्टमेंट दी समझा के, जो भी आपको मैंने यहाँ पे सिखाया, क्या आपको समझा कह रहे हो, यस और नो बोले जल्दी से, क्या आपको एकदम तोड़ समझे, एकदम अच्छे समझा के बोलो, यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्स करो। चलो समझा क्या नहीं, चलो बहुत अच्छा है, राइट। अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, अगले इलस्ट्रेशन पे फास्ट है, एकदम फटाफट, ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन पे चलो जल्दी से, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी आ जाओ अगले इलस्ट्रेशन पे, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर जो भी ना दोस्तों आपका 4 है ना, ये अपन कल करेंगे, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो भी अपन कल करते हैं। अभी एक काम करो दोस्तों, आप आ जाओ जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, अभी आप जल्दी से आ जाओ दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, जल्दी से आ जाओ, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बात को समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, नेने एंड काने आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 6:4, ठीक है। तो दो लोग पार्टनर है और कैसे शेयर करें बोलो, 6:4, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, आगे उन्होंने क्या दिया दोस्तों आपको, देखो उन्होंने हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम दिए, राइट। ओके, अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस का आइटम पढ़ने के अंदर अपन टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली एडजस्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं करवा रहा हूं ध्यान देना, आपको हर एक चीज आ जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, कर लेंगे। आगे उन्होंने आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, ठीक है, तो हमको एडजस्टमेंट दिए, राइट। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो भी वेजेस है उसके ऊपर टिक करेंगे, जो भी वेजेस है उसके ऊपर अपन टिक करेंगे, और जो भी सैलरी उसके ऊपर अपन टिक करेंगे, जो भी आइटम का एडजस्टमेंट दिया उसके ऊपर आपको टिक करना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है अभी वो, मोटर व्हीकल कितना है रे, मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन बोला है, ठीक है। तो जल्दी से जाओ मोटर व्हीकल के ऊपर फटक करके और उसके ऊपर टिक कर दो, ठीक है। जो भी आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट दिया आइटम को आपको टिक करना, इतना याद रखना, ठीक है ना। चलो फटाफट करना है, अभी अपना ये क्वेश्चन 20 मिनट्स में होना चाहिए, कितना, 2 घंटे का क्वेश्चन 20 मिनट्स में करके बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं चलो आगे देखो, राइट ऑफ बैड डेट्स एंड प्रोवाइड आईडेंटिटी, ठीक है। चलो एक काम करो, जो भी आपका डेटर्स है ना दोस्तों, डेटर्स किधर गए आपके डेटर्स, देखो जल्दी से फटक करके डेटर्स के ऊपर 2 टिक कर दो, एक न्यू बैड डेट्स का और एक न्यू आईडेंटिटी का, ठीक है। और जो भी आपके बैड डेट्स दिए ना, बैड डेट्स किधर है, देखो आपके बैड डेट्स जल्दी से, बैड डेट्स दिए ना, वो बैड डेट्स के ऊपर भी टिक कर देना, क्यों, क्योंकि हमको न्यू बैड डेट्स का भी एडजस्टमेंट करना जरूरी है, सही है। तो बैड डेट्स दिख रहा है कि आपको, देखो जरा यहाँ पे, यस यहाँ पे बैड डेट्स और आईडेंटिटी को भी टिक कर देना, सही है। चलो आगे देखो जल्दी से क्या बोल रहे हो, आगे फटाफट देखो, फटाफट देखो आगे क्या बोल रहे हैं, देखो फटाफट, काने विड्र्यू गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, राइट। तो ड्रॉइंग्स के 2 एडजस्टमेंट क्या आएंगे बोलो, पहला क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दूसरा क्या आएगा बोलो, कैपिटल में से माइनस, ठीक है। चलो ये हमारा प्रॉब्लम उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अभी जल्दी से फटाफट, अभी किसके बुक में करने का दोस्तों, हमको हमको करने का किसके बुक में बोलो, हमको करने का इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने, राइट। तो जल्दी से आपके नोटबुक में जाओ जल्दी से फटाफट, वहां पे लिखो इन द बुक्स ऑफ, वहां पे लिखो नेने एंड काने, नेने एंड
काने, सही है, ओके फटाफट। अभी क्या क्या बनाने का, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जल्दी से बनाओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नीचे आप बना दो बैलेंस शीट, सही है, ओके। और कौन से ईयर एंड का बनाना है बोलो, हमको बनाना है 2019 का, कौन से साल का बनाना है बोलो, 2019 का बनाना है, सही है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखूंगा 2019 और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखूंगा यहाँ पे 2019। समझा कि नहीं समझा बोलो, समझा कि नहीं समझा, इतना तो आपको आता है राइट, 2019 लिख दिया। क्या रेडियो क्या बोले, पेज फोल्ड करो स्टार्ट कर दो, ठीक है, फॉर्मेट वॉर्मेट ड्रॉ करने के इसमें टाइम मत वेस्ट करो, पेज फोल्ड करो स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं स्टार्ट करो, आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, फटाफट फटा एकदम फास्ट लिखना है, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखा है देखो, उन्होंने कैपिटल दिया कितना, नेने का और काने का दिया कितना बोलो, 15 लाख और 10 लाख, ठीक है। चलो मैं जाऊंगा दोस्तों लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाऊंगा, वहां पे लिखूंगा मैं कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल अकाउंट, सही है। चलो बहुत हार्ड है ना, सबसे पहले किसका है बोलो, नेने का दिया है और तीन चार लाइन छोड़ दो, फिर लिखो आप वहां पे काने का, तीन चार लाइन छोड़ के लिख देना काने का। नेने का कितना है देखो 15 लाख और काने का कितना है देखो 10 लाख, राइट। चलो इनर कॉलम में यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं 15 लाख है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं 10 लाख, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मैं 10 लाख, समझा कह रहे, इतना क्लियर है क्या बोलो, एकदम ईजी राइट। चलो मैं फास्ट कर रहा हूँ, वापस ये क्वेश्चन मेरे को 15 मिनट में कंप्लीट कर देने का, ठीक है। चलो अभी आगे देखो जल्दी से क्या बोल रहे हो, डेटर्स है, डेटर्स, डेटर्स कहां पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के करंट एसेट में, राइट। और डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो क्या करने का, इनर कॉलम में कितने एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट मतलब कितने लाइन छोड़ने के, चार लाइन छोड़ने के, सही है। चलो अभी जल्दी से जाओ दोस्तों डेटर्स में फटाफट, है ना, आपके बैलेंस शीट में जाता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों डेटर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों डेटर्स कितना आएगा बोलो जल्दी दोस्तों, डेटर्स मेरा 4,50,000, इनर कॉलम में लिखूंगा 4,50,000 और नीचे चार लाइन छोड़ दूंगा, 1, 2, 3 और चार लाइन छोड़ दूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, आगे फटाफट फटाफट, ठीक है, एकदम फास्ट फास्ट आगे। आगे क्या बोल रहे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया है 3 लाख, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, कहां पे लिखने का, लाइबिलिटी में लिखने का, ठीक है। तो जल्दी से जाओ बुक में और वहां पे लिखो दोस्तों फटाफट सन्ड्री क्रेडिटर्स, वहां पे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है बोलो 3 लाख, एडजस्टमेंट है तो कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। लिखा क्या, लिखा कह रहे हो, लिखा क्या बोलो फटाफट, ठीक है, लिखा क्या, नहीं लिखा, ठीक है। आगे मैं आगे जा रहा हूं, मैं फटाफट लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट 10 मंथ्स का, राइट। एक काम करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, जो भी मैं रेड कलर से हाईलाइट करूंगा उसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। अभी ध्यान दो, देखो दोस्तों रेंट आपने कितने महीने का पे किया, 10 महीने का, कितना पे किया 10,000। अभी आप मुझे बोलो 10 मंथ्स के लिए 10,000, तो एक मंथ के लिए कितना बोलो 1,000, राइट। तो अभी 10 महीने के लिए 10,000, तो एक महीने का 1,000। अभी हमने जो भी रेंट पे करना चाहिए वो हमने 12 महीने का करना चाहिए, लेकिन किया हमने 10 महीने का पे, मतलब हमने करना चाहिए था 12,000 पे, लेकिन हमने पे किया 10,000, इसका मतलब 2,000 अपना अनपेड है। अनपेड रेंट का क्या एडजस्टमेंट आएगा बोलो, पहला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इसमें ऐड करेंगे और दूसरा अपन लाइबिलिटी में बता देंगे। दूसरा कहां पे बताएंगे बोलो, हम लाइबिलिटी में बता देंगे, यस और नो, क्या कोई दिक्कत है क्या बोलो जल्दी से, एनी प्रॉब्लम गाइस, प्लीज मुझे बोलो एनी प्रॉब्लम, यस और नो फटाफट मुझे बोलो। चलो कोई प्रॉब्लम है क्या बोलो आपको यहां तक, अरे बोलो यार, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा गाइस आपको, यस और नो। चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा मेरे बुक में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैलेंस शीट में अपना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों टू रेंट, है ना कितना बोलो, इनर में 10,000 और इसमें मैं ऐड कर दूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ, ऐड व्हाट, आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ कितना बोलो 2,000। इसका फिगर कहां पे लिखूंगा बोलो 12,000 आउटर में, राइट। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बोलो, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना लिखूंगा बोलो जल्दी से, यहाँ पे 2,000। समझा के नहीं समझा, समझा के नहीं समझा बोलो, यस और नो। चलो बहुत अच्छा, आगे आगे क्या बोल रहे हैं वो, स्टॉक कितना दिया देखो यहाँ पे 5,35,500 है ना, और कब का है 1 अप्रैल 2018, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक दिया। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाता बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सही है। तो मैं जाऊंगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में फटक करके, और यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों मैं 2 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो 2 ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, सही है। कितना लिखूंगा बोलो जल्दी दोस्तों, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मेरा 5,35,500। समझा कह रहे, यस और नो। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है वो, प्रीमाइसेस दिया है कितना दिया देखो उन्होंने 8,50,000, राइट। अभी प्रीमाइसेस जो भी है, मतलब आपका एसेट होता है, एसेट मतलब कहां पे, बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट में जाएगा, सही है। तो मैं जाता हूं दोस्तों बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट में और वहां पे लिखता हूं दोस्तों मैं प्रीमाइसेस, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों प्रीमाइसेस कितना लिखूंगा बोले दोस्तों 8,50,000, कितना लिखूंगा बोलो 8,50,000। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा बोलो। चलो बहुत अच्छे, आगे
सैलरीज कितना दिया देखो 50,000 राइट ओके सैलरी के ऊपर टी के सैलरी अपना एक्सपेंडिचर है कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा ठीक है। चलो मैं जाता हूं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों टू सैलरीज और इनर कॉलम में लिखूंगा क्यों क्योंकि इसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट दिया कितना बोलो 50,000 लिख दूंगा समझा। चलो बहुत अच्छे आगे डिस्काउंट ओके डिस्काउंट हमारे डेबिट कॉलम में लिखा है मतलब हमारा डिस्काउंट अलाउड है मतलब लॉस है समझा क्या हमेशा रखना ट्रायल बैलेंस के अगर डेबिट साइड में अगर उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया होगा तो ये हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट में दिया रहेगा तो क्या होगा बोलो इनकम होगा राइट। तो एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सही है। तो मैं जाऊंगा दोस्तों जल्दी से यहाँ पे फटाफट ध्यान देना ठीक है एकदम फटाफट ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों टू डिस्काउंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बोलो टू डिस्काउंट लिख दूंगा सही है। कितना है बोले दोस्तों डिस्काउंट मेरा 800 सही है। तो मैं 800 यहाँ पे आउटर में लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्रेडिट में भी लिख देता हूँ बाय डिस्काउंट यहाँ पे लिख दो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड रहता है क्रेडिट वाला क्या रहता है रिसीव्ड और डेबिट वाला क्या रहता है बोलो अलाउड डेबिट वाला क्या रहता है अलाउड। तो रिसीव्ड कितना हो बोलो 950 रिसीव्ड कितना हो बोलो आपको जल्दी से 950 हुआ सही है। तो आउटर में लिखूंगा दोस्तों मैं 950 समझा कि नहीं समझा बोलो। चलो बहुत अच्छा है बहुत तोड़े ना मजा आ रहा है ना आपको अरे यस सर नो मजा आ रहा है ना। चलो आगे मोटर व्हीकल कितना है देखो 370,000 एसेट है एसेट मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड ठीक है 370,000 इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट राइट यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों मैं मोटर व्हीकल कितना बोलो 370,000 एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में लिख दूंगा 370,000 ठीक है। आगे सेल्स दिया है कितना दिया बोलो 840,500 ठीक है। अभी जरा देखो यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिया है रिटर्न्स मतलब क्या यहाँ पे आपको उन्होंने सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दिया है क्या दिया बोले इंग्लिश उन्होंने हमको यहाँ पे सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दिया है सही है। और जब भी हमको सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न दिया जाता है तो इसका मतलब दोस्तों हमको जो भी सेल का फिगर है या परचेसेस का जो भी फिगर है उसको हमको इनर कॉलम में लिखना जरूरी है कहाँ पे लिखना जरूरी है बोलो हमको उसको इनर कॉलम में लिखना जरूरी है सही है। अवले जैसा कर रहा है मेरा लैपटॉप आज बीच बीच में एड़ा हो जाता है मेरा लैपटॉप पता है कि आपको नहीं पता आपको कैसे लोग आप है ना। चलो ध्यान दो ठीक है। तो मैं जाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय सेल्स और सेल्स का फिगर कहाँ पे लिखूंगा बोलो इनर कॉलम में लिखूंगा सही है। चलो कितना है बोले दोस्तों यहाँ पे सेल्स 840,500 समझा कह रहे समझू कि नहीं समझू ठीक है। चलो आगे सेल्स हो गया मेरा परचेसेस कितना है बोलो 640,500 परचेस कितना है मेरा 640,500 कहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू परचेसेस कितना बोलो 640,500 इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि हमको यहाँ पे परचेस रिटर्न भी दिया हुआ है ठीक है। चलो आगे फटाफट देखो क्या लिखा है आगे यहाँ पे वेजेस दिया कितना दिया बोले यहाँ पे वेजेस जल्दी से उन्होंने 10,000 और वेजेस कहाँ पे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में एडजस्टमेंट नहीं तो इनर कॉलम में लिखना है सही है। तो यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ टू वेजेस कितना है बोले जैसे दोस्तों वेजेस अपना 10,000 इनर कॉलम में लिख दिया समझा कह रहे 10,000 मैंने इनर कॉलम में लिख दिया यस और नो क्या सब लोग मेरे साथ हो क्या बोलो जल्दी से ठीक है। चलो आगे ऑफिस एक्सपेंसेस अभी ध्यान देना ऑफिस एक्सपेंस कहाँ पे जाता है बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कहाँ पे जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है सही है। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यहाँ पे लिखता हूं मैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखता हूं मैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है बोलो ऑफिस एक्सपेंस कितना पे किया मैंने यहाँ पे 20,000 ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों 20,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा 20,000 समझा कह रहे है ना सब लोग मेरे देखो यार मैं जानबूझ के फास्ट कर रहा हूं अभी ठीक है पहला सम बहुत आराम से लिया अभी मुझे फास्ट जाना पड़ेगा ठीक है। चलो अभी आगे क्या देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है कितना दिया है बोलो 1,50,000 राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटी होता है क्या होता है बोलो आपका करंट लायबिलिटी होता है सही है। तो मैं जाऊंगा दोस्तों आपके करंट लायबिलिटी में और यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बोलो जल्दी से व्हाट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है बोलो जल्दी से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो चलो जल्दी से फटाफट बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आएगा बोले जल्दी से आपका फटाफट बोलो चलो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका देखो 1,50,000 राइट। तो यहाँ पे मैं आउटर में लिखूंगा दोस्तों 1,50,000 समझा क्या रे ओए समझ रहे क्या बोलो जल्दी से यस और नो है ना समझ रहे एकदम अच्छे से ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है ये चलो आगे क्या बोले ध्यान देना अभी प्लीज ध्यान देना 5 मिनट इधर ध्यान दो ठीक है अभी इधर ध्यान दो कॉन्सेप्ट आया ध्यान दो ठीक है। देखो दोस्तों बात को समझ लो कॉन्सेप्ट आया ध्यान देना देखो क्या लिखा है रिटर्न लिखा है क्या लिखा है बोलो आप रिटर्न लिखा है सही है। अभी देखो दोस्तों
जब भी आपको रिटर्न का फिगर अगर इनर कॉल अगर आपको डेबिट साइड में लिखा होगा, क्या बोला मैंने, जब भी आपको रिटर्न का फिगर अगर डेबिट में लिखा होगा तो इसका मतलब दोस्तों ये आपका सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है बोला, आपका सेल्स रिटर्न होता है। क्यों, ध्यान दो, देखो डेबिट मतलब क्या रहे, रिटर्न इनवर्ड है ना, रिटर्न हमको क्या हुआ बोलो, वापस आया है ना, तो हमको रिटर्न कब वापस आएगा, जब हमने कुछ बेचा होगा, कॉन्सेप्ट समझ रहे। तो डेबिट साइड में जो भी रिटर्न होता है उसको अपन रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, मतलब सेल्स रिटर्न होता है, और क्रेडिट साइड में जो भी होता है इसको अपन परचेस रिटर्न बोलते हैं, या इसको अपन रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, सही है। अभी आप मुझे बोलो तो क्या आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न का फिगर पता चला, कह रहे यस, कितना है बोलो 5500, और आपको परचेस रिटर्न का फिगर पता चला, क्या बोलो यस, कितना है बोलो 3500। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे सेल्स में से माइनस कर दूंगा, जाओ जल्दी से सेल्स में फटाक करके है ना, सेल्स में से यहाँ पे करो लेस सेल्स रिटर्न, लेस करो जल्दी से सेल्स रिटर्न, कितना लेस करेंगे बोलो 5500, और इसका अल्टीमेट फिगर कितना आएगा बोलो 8,35,000, इसको आप आउटर कॉलम में फेंक दो है ना। और वैसे ही परचेस का कितना था बोलो जल्दी से, यहाँ पे लेस परचेस रिटर्न, लेस कितना था बोलो परचेस रिटर्न, कितना आएगा बोलो जल्दी से वो 3500, तो कितना जाएगा बोलो यहाँ पे 6,37,000, सही है। एक बात बोलो आपको दोस्तों, में आपने क्लास में लगभग 100 स्टूडेंट्स है, कितने 100 है ना, उसमें से अभी सिर्फ 32 लोग लाइव है, 32 लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, राइट। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी भी अगर ये बैच को सीरियस से नहीं लिया ना, तो मैं आपको सच में बोल रहा हूं कि आपको चाह के भी भगवान भी नहीं बचा सकता, आपको सच्ची बोलता हूं, बुरा मत लगने दो ठीक है। क्योंकि ना गाइस देखो, आप तो बैठ के पढ़ रहे हो घर पे, राइट, मैं आप पे कंटिन्यूअसली 3 घंटा हो गया लगभग, अभी मैं आपको खड़े रह के पढ़ा रहा हूं, सही है ना, समझ रहे, 3 घंटे से अगर आपको कोई टीचर आपकी जिंदगी बनाने के लिए अगर मेहनत कर रहा है, तो आपका भी उतना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आपकी आप भी उतनी इक्वल मेहनत करो, यस और नो बोलो, है क्या नहीं बोलो, है ना। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आ रहा करके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आ रहा है करके ना, सर बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे, ऐसे आपको लग रहा है क्या। गाइस देखो, मुझे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ध्यान में आ रहे, और आपने ये फर्स्ट ही समताज समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरी आपको बस इतनी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स देख रहे हो तो प्लीज बहुत सिंसियरली देखो, आपके माँ बाप के पैसा सच में वेस्ट मत करो, प्लीज वेस्ट मत करो, ठीक है, ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है ना। क्यों मतलब आप ऐसे कर रहे हो, 100 में से सिर्फ 31-32 स्टूडेंट सिर्फ लाइव है, क्या मतलब बनता है इसका, इसका क्या मतलब बोलो ना आप। देखो आपकी चॉइस है आपको क्या कर रहा है, मुझे नहीं लगता है गाइस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इतने डिटेल में इतने आराम आराम से इतने प्यार से आपको कोई सिखाएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता है ऐसा, ठीक है, आपको मैं ओपन चैलेंज करके बोल सकता हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है गाइस कि अपन कौन से लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे है ना, कोई तो भी नहीं तो आपको डायरेक्टली बैड डेट्स का है, मैराथन बैच में बस बैड डेट ऐसा करने का छोड़ दो यार, मैंने आपको पूरा लिख के दिया, पूरा समझा आपको कैसे करना है, राइट, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। देखो आपको क्या लगता है आपका चॉइस है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें, सही है ना। और प्लीज अगर जो भी लोग लेक्चर्स नहीं देख रहे तो प्लीज मुझे डाउट पूछने के लिए फोन भी मत करना, ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं कि बाद में आप मुझे कॉल करो, ठीक है, मेरा आपको कमिटमेंट ये था कि अगर आपको डाउट लेक्चर के टाइम पे रहेंगे तो आप उसके लिए मुझे फोन करो, आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे फिर आप मुझे डाउट पूछेंगे तो मैं आपके एक भी डाउट को टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है, अटेंड ही नहीं करूंगा मैं आपको, ध्यान में आ रहा है ना, समझ रहे ना। क्योंकि यार मेरे को ऐसा लग रहा कि यार हम इतने मेहनत से आपको पढ़ा रहे और आप ही इतने कैजुअली ले रहे हो, राइट, स्टार्टिंग में स्ट्रीम के टाइम पे 50-55 स्टूडेंट्स थे, अब भी 30-34 स्टूडेंट्स है, प्रॉब्लम क्या है आपको यार, आपके पास इंटरनेट का पैसा नहीं है क्या, आपके पास घर वाले पैसा नहीं देते कि आपको इंटरनेट के लिए, अगर 2GB अगर डेटा है तो 2GB और पैक में डाल सकते क्या आप लोग, है ना, हार्डली 200-300 रुपए का इंटरनेट का आता है आपका, तो क्या मतलब आप 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा 200 रुपए का इंटरनेट नहीं डाल सकते हो क्या, आप वैसे क्या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप चलाते नहीं हो क्या, दिन दिन भर तो आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो, फिर लेक्चर के टाइम पे आपको क्या अंग में आ जाता है, क्या खुजली आपको होती है कि आप लेक्चर्स नहीं देख पाते हो, 3 घंटा बैठने में क्या दिक्कत है आपको, जब भी आपकी फाइनल एग्जाम होंगी तो 3 घंटा ही बैठना पड़ेगा ना, क्या एग्जामिनर को बोलेंगे हाँ रुको मैं आया जरा 5 मिनट घूम के आता मैं, है ना, मेरे गर्लफ्रेंड को मिल के आता, ऐसे बोलेंगे क्या तुम एग्जाम में, बोले जल्दी से मुझे, ऐसे बोलेंगे क्या तुम, नहीं बोलेंगे ना, फिर पढ़ने में दिक्कत क्या है तुमको। आप में से मुझे कितने लोगों ने, अरे कल मैंने आपको बोला था वो होमवर्क करने के लिए, कितने लोगों ने मुझे सिंसियरली पर्सनली मैसेज किया कि सर हमने होमवर्क किया, भला क्या आपका, आप जो बोल रहे हो कर रहे भला क्या, हमने ये होमवर्क आपने दिया था इसका, कितने लोगों ने मुझे फोटो भेजा रहे, अब देखो सर आपने ये होमवर्क हमको दिया था और ये होमवर्क हमने देखो इतने अच्छे से सॉल्व किया, फोटोज देखो इसके, कितने लोगों ने दिया रहेगा, एक लोगों ने भी नहीं दिया, राइट,
तो फिर कैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं, बोलो ना कि आप मेहनत कर रहे हो, कैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं बोलो, कैसे मैं उम्मीद लगाऊं आपसे कि आप 100 में से 100 ला सकते हो करके। मैं तो पढ़ाने के लिए 100% रेडी हूं यार, मैं तो आपको 100% पढ़ाऊंगा, मेरी जब तक मेरे बॉडी में जान है ना तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है आपको, राइट। लेकिन मुझे भी तो दिखना चाहिए ना कि आप भी पढ़ रहे हो इक्वली। आप पढ़ेंगे नहीं, आप दिन भर सिर्फ टाइम पास करेंगे, होमवर्क किया है नहीं किया, मेरे को कैसे समझेंगे आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, बोलो। दो दिन पहले मैंने एक स्टूडेंट को फोन किया था, बोला आज का लेक्चर कैसे हुआ, बोले मैं अरे सर हम ना बाहर आए थे, एक पार्टी थी हमारे यहाँ पे, बाहर आए थे वाला। तो आपने क्या पार्टी के लिए मुझे 2000 रुपए दिए क्या? आप मुझे एक बात बोलो, आपको इतना समझ था ना, सारंग सर की लेक्चर होती है 6 से लेकर 8:30-9 बजे तक चलती है, राइट। आपने वो एडमिशन लेने के पहले मैंने आपको उसका टाइमिंग बोल दिया था, सही क्या गलत है बोलो? तो फिर आपको वो टाइम के ऊपर 20 दूसरे काम करने का अधिकार ही नहीं है, कैसे के जा सकते हो आप मेरे क्लास के टाइम पे बाहर, बोलो ना मुझे आप कैसे के जा सकते हो, क्या राइट है आपको बाहर जाने का? हाँ, और ग्रुप में आप मुझे बोलते हो सर टाइम चेंज करो, सर ये टाइम सूट नहीं है। मैंने आपको एडमिशन लेने के पहले ही बोल के रखा था ना कि अपने क्लास का टाइमिंग इवनिंग में 6 to 8:30 रहेगा, ये मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था बोलो? 100% बोला था, राइट। तो उसके बाद फिर टाइम चेंज करो ये बोलने का कोई संबंध ही नहीं आता आपका, कैसे क्या बोल सकते हो आप मुझे टाइम चेंज करो करके? और आपको क्या लगता है मेरे पास एक ही बैच रहेगा क्या सिर्फ? मेरे पास एक ही बैच है आपका, मतलब 20-30 दिन भर आपको ही पढ़ाता हूँ बस, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो भी 40 डेज मैंने आपको कमिटमेंट दिया 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, राइट, कंटेंट के हिसाब से। लेकिन अगर ये आपने 40 डेज सीरियसली लिया तो आपको अकाउंट्स में भगवान भी नहीं रोक सकता 100 में से 100 लाने का, मेरा आपको गारंटी है, आप समझ रहे हो। लेकिन 40 दिन में से अगर एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो समझ लेना गाइस उस दिन के 10 से 12 मार्क आपके मिस हो गए, ध्यान में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने आपको नोट्स में सिर्फ वही क्वेश्चंस दिए जो रिपीटेटिव नहीं है, और क्वेश्चंस भी ऐसे कि जो इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो, जिसमें ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट कवर हो गई, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। तो फिर मैं टेक्स्ट बुक में से भी तो पढ़ा सकता था ना आपको, मैं आपको टेक्स्ट बुक में से भी तो पढ़ा सकता था कि नहीं पढ़ा सकता था, बोलो ना जल्दी से, क्या मैं आपको टेक्स्ट बुक में से पढ़ा सकता था क्या नहीं पढ़ा सकता था? देखो मेरे पास तो टेक्स्ट बुक रेडी है, देखो ना मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी रेडी है ना, देखो यहाँ पे पूरी टेक्स्ट बुक दी है मेरे को, है ना, इसके अंदर भी क्वेश्चंस है क्या नहीं मेरे पास, बोलो? तो मैं पागल हूँ क्या कि मैं टेक्स्ट बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगा, रिलायबल में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगा, पिछले बोर्ड के कुछ पेपर्स में निकालूंगा, फिर उसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, फिर वो सॉल्व करवा के लूंगा, मेरे को क्या करना है बोलो भला? आपको एक बात बोलो दोस्तों, आपका 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर लेने के लिए मुझे 4 घंटे प्रिपरेशन करना पड़ता है। बात यह नहीं कि हमको आता नहीं है करके, आप समझ लो, प्रिपरेशन इसलिए करना पड़ता है कि आपको बेस्ट कैसे दे हम, ये हमको लगता है। एक दिन भी अगर हमारा लेक्चर अच्छा नहीं गया ना तो हमको बहुत बुरा लगता है अंदर से। जैसे कल का लेक्चर, मेरी तबियत ठीक नहीं थी, मेरे को बहुत बुखार है, आज भी मेरे को बहुत बुखार है। कल का मेरा लेक्चर, मेरे को मालूम है मेरा एनर्जेटिक नहीं गया क्योंकि मेरी तबियत बहुत खराब थी, लेकिन मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, मजबूरी मैंने लेक्चर लिया और मैंने कोशिश की आपको पढ़ाऊ। कल रात भर मेरे को नींद नहीं आई कि बाबा आपका कल का लेक्चर अच्छा नहीं हुआ, ये सुन के ये सोच के मेरे को घबराहट हो रही थी, मेरे को कल नींद ही नहीं है रात भर, आप समझ रहे हो क्या? तो अगर कोई टीचर अगर आपके लिए अगर इतना सिंसियरली काम कर रहा है, अगर इतना डेडिकेटेडली अगर एफर्ट्स दे रहा है, तो क्या आपको जिम्मेदारी नहीं क्या बोलो आपको आपके लाइफ को सीरियस बनाने की? आपका काम नहीं क्या? देखो यार, हम बैक ऑफ द स्टेज क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। आप बोलेंगे सर जान दो ना, वो आपका काम ही है ना, आप पैसे दिए आपने। गाइस देखो आपको बोलू मैं, 50,000 लाख रुपए से मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं सबको सच्ची बोलता, समझ रहे हो? ये बात पैसे की नहीं गई, बात ही आपकी जिंदगी की है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मेरे को आपसे पैसा मिला है मतलब मैं कर रहा हूं, मुझे खुशी मिलती है आपको पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे ऐसा चाहिए दोस्तों कि आपने जो भी ये बैच है, ये बैच में कुछ ऐसा हो जाए कि आपने जितने भी स्टूडेंट है सबको 100 में से 100 आ जाए, तो जिसकी वजह से अपना हिस्ट्री बनेगा कि नहीं बोलो ना यार। और आप सिर्फ इमेजिन करो कि आपको जब भी अकाउंट्स में 100 out of 100 आएंगे, आगे जाके मैं जनवरी में कुछ थ्योरी के भी कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें 25 दिन में आपका पूरा तीनों सब्जेक्ट्स में कवर करवा के दूंगा। लेकिन जब भी ऐसे वैसे अगर अपन पढ़ेंगे और जब भी आपको 100 में से 100 आएंगे, आपको 95, 98, 99% आएंगे, तो आपके घर वाले क्या आपको हकल देंगे क्या घर में से? नहीं नहीं, इतने परसेंट क्यों लाए तुमने, तुमको खुशी नहीं मिलेगी क्या उस चीज की, है ना? तो इतना बड़ा अगर हमको कुछ अगर अचीव करना है तो हमको मेहनत भी तो करना हमारा काम है ना यार, सही क्या गलत है बोलो? बात 2000 की नहीं, आप वो मत सोचो, है ना? कुछ स्टूडेंट कैसे लगता है यार जाने देना 2000 तो भरे, है ना, क्या फर्क पड़ता है, हमारे एक टाइम का डिनर हो जाता है उसमें 2000 खर्चे हो जाते, राइट। गाइस वैसा नहीं यार, वैसा मतलब आप समझ रहे ना, है ना, 2000 रुपए भी आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके कमाए और वो मुझे दिए, सही है।
आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलता हूँ? प्लीज आप बहुत सिंसियरली पढ़ाई करो, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप इतने सिंसियरली करो ना कि मुझे पढ़ाते टाइम भी ऐसे लगना चाहिए कि यार शेट से यार देखो स्टूडेंट्स इतने सिंसियरली पढ़ रहे, तो मेरे को भी ऐसे प्रेशर आना चाहिए राइट, कि यार सारंग और अच्छा करना है तुझे, आज तूने जितना अच्छा पढ़ा ना इससे ज्यादा अच्छा तुझे कल पढ़ाने वाला क्या, ऐसे मुझे अंदर से एक डर लगना चाहिए ना कि बाबा मेरे स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो, मेरे इतने जो भी प्यारे बच्चे है उनका नुकसान ना हो, उनको हर एक चीज बहुत अच्छे समझे। आप समझ रहे ना गाइस? और कितना अच्छा यार आपके पास है ना, आपके पास इतनी अच्छी चीजें है, अपने लेक्चर्स इतनी मस्त चल रहे, इतना आपको अच्छा क्वालिटी का लेक्चर मिल रहा है, इतना दिख रहा है आपको अच्छे से राइट, है ना, सब कुछ आपको इतना दिख रहा है, एकदम प्रॉपर लेक्चर दिख रहा है, कॉलेज जैसा भी नहीं हो रहा है ना, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा है, आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको कई क्लास को भी जाने की जरूरत नहीं है, है ना, आपके स्मार्टफोन पे आपके लैपटॉप पे आप लेक्चर्स दे रहे हो देख रहे हो, इसका आपको रिकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो रहा है, आप उसको कितनी भी बार देख सकते हो, कितनी सारी फैसिलिटीज आपको दी है दोस्तों मैंने, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या बोलो? फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या ये मेरे को अच्छा लगेगा क्या बोलो? बोलो ना, अभी आज जो मैंने आपको सम ये 2 घंटा पढ़ाया, लगभग एक सम को मैंने आपको 2 आवर्स स्पेंड किया राइट, आपको मैं बोलूं वो सम अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा ना तो 6.5 से 7 मिनट बहुत हो गए मेरे को विद फॉर्मेट ड्रॉ करके, तो मैं आपको इतने धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूं? इसका मतलब ये है क्या कि बाबा मेरे को टाइम पास करवाना है, ऐसा है क्या कुछ? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो गाइज मुझे इतना लगता है बस कि आपको कुछ चीजें आती होंगी ना, फिर भी आप देखो यार उसको, समझ रहे हो ना, कुछ चीजें ऐसे हो सकता है, इतना तो आप एग्री करते हो ना कि आपसे थोड़ी बहुत अक्कल मेरे को ज्यादा है, मेरे को इतना अकाउंट्स नहीं आता, आप कैसे बड़े लोग हो राइट, तो आपको बहुत अकाउंट्स आते हैं राइट, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत तो अकाउंट्स आता होगा, थोड़ा बहुत इतू सा तो भी है ना, तो आपके लिए कर रहा हूं ना मैं, तो मेरे को क्या जरूरत है फिर, है ना, स्टार्टिंग के 2-3 दिन अच्छे लेके फिर बाकी का भगाने का मुझे क्या फर्क पड़ रहा है आपको समझा नहीं समझा राइट, ऐसे चलेगा क्या फिर? बोलो जल्दी से, आपको ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस मैं वापस बोल रहा हूँ कि प्लीज बहुत सिंसियरली पढ़ाई करो यार, मेरे को सच में ऐसा चाहिए कि आप 100 में से 100 लाओ मार्क्स, अकाउंट्स में भी लाओ, आगे अपन इकोनॉमिक एसपी ओसीएम का भी करने वाले उसमें भी लाओ, और जब भी आपको 100 में से 100 आएंगे ना गाइस तो आप मेरे यहाँ पे आ जाना और मेरे को मस्त वाली मिठाई देना ठीक है, बस इतनी जो उम्मीद है मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सच में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी मेहनत दिखनी चाहिए, आपके आंखों में एक नशा दिखना चाहिए पढ़ने का राइट, है ना, मतलब ऐसे पागलपंती दिखनी चाहिए मेरे को कि बाबा नहीं यार हमको पढ़ना है बस, हमको कोई लेना देना दुनिया से, दुनिया बाढ़ में गई उधर, वो कोरोना चल रहा क्या, वो एग्जाम होएंगी एग्जाम नहीं होएंगी, कॉलेज कब चालू होएंगे क्या होगा, गया सब बाढ़ में गए ठीक है, हमको कोई लेना देना नहीं, हम अब भी पढ़ रहे हमारी 2.5-3 घंटे सारंग सर क्लास लेते शाम को, 2.5-3 घंटे मेरे को कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरे दोस्त गए बाढ़ में, मेरे घर वाले गए बाढ़ में, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल मेरे बुक्स और सारंग सर बस इतना ही चाहिए मुझे, है ना, जब तक ये लेवल का डेडिकेशन आपका नहीं आएगा गाइस तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, देखो नहीं तो मैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखू ना, अगर प्रोफेशनली अगर देखू तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, सच में बोलता हूँ मैं आपको, मैं मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपसे मैंने पैसे पढ़ाने के लिए आपको मैं पढ़ा दूंगा, बात खत्म हो जाएगी राइट, लेकिन गाइस मेरे लिए आप लोग है ना सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग मेरे लिए एक फैमिली हो, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, और जब भी आप लोग अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो मुझे बुरा लगता है, आप जेनरली बोलते हो सच में बुरा लगता है राइट, जैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर कुछ मैसेजेस करता हूँ तो आप लोग उसको देख के छोड़ देते हो, मतलब इतना एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना आपको, है ना, इतने बड़े लोग हो गए ना आपकी, मतलब मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ कि आपको समझा कि नहीं समझा, आपको लेक्चर्स कैसे लगे ना, तो मतलब उसमें फीडबैक देने में भी आपको इतनी दिक्कत आती, बाप रे, है ना, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ने अगर कुछ पूछा तो बाप रे रात भर तुम फोन पे हेलो हाँ क्या कर रहे है ना, रात भर बात करते बैठेंगे राइट, है ना, उसको दनादन रिप्लाई करते बैठेंगे, अगर मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ तो आप रिप्लाई तो भी करते क्या बोलो, अगर यही अगर आप अगर मैं आपके साथ ऐसे करूँ तो आपने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछो मैं उसको देख के छोड़ देता हूँ राइट, उसको इग्नोर मार देता हूँ मैं, सही है, चलेगा ना आपको, बहुत मजा आएगा ना आपको, अच्छा लगेगा ना आपको, चलेगा ना वैसा, है ना, आपको मैं कुछ ग्रुप में मैसेज डालता हूँ फिर आप मुझे कुछ पूछो ग्रुप पे मैं उसका भविष्य नहीं देता राइट, फिर आप देखो आपको कैसे लगेगा रे अंदर से, बुरा लगेगा ना, यस और नो, और मैं आपको क्या ऐसे पूछ रहा हूँ क्या बोलो, खाना खाया बाबू तूने, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं तुमको मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुमको समझा के नहीं समझा, तो इसका आंसर जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मुझे समझेगा क्या, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो थोड़ा मैच्योरली बिहेव करो यार, थोड़ा मैच्योरली बिहेव करो, आप बड़े हो गए रे अभी छोटे नहीं हो आप लोग राइट, है ना, और लेक्चर्स जब भी 6 बजे का टाइमिंग मेरे को मालूम है, दिया है आपको 6 बजे का टाइमिंग मैंने आपको दिया है सही है, तो गाइस 6 बजे जब भी लेक्चर चालू होने वाला रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना अकेला हूँ इंसान मैं, मेरे को यहाँ पे पूरा लाइटिंग का सेटअप करना पड़ता है, मुझे कैमरा ऑन करना पड़ता है, लैपटॉप चालू करना पड़ता है, पीसी चालू करना पड़ता है, नोट्स एक साथ लाने पड़ते हैं, फिर कनेक्शन वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने पड़ते हैं अलग अलग डिवाइसेस को, तो क्या होता है कभी कभी कि वो ब्लूटूथ का कनेक्शन जाने की वजह से एक आधा डिवाइस मिसमैच हो जाता है,
आप समझ रहे हो ना, आपके लेक्चर लेने के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 डिवाइस लग रहे। जैसे मेरा ये टैब है, मेरे सामने मेरा कैमरा है, ये लाइटिंग्स है, मेरा लैपटॉप है ना, फिर यहाँ पे वो मेरा सिस्टम है, मशीन है, समझ रही है, सबको मुझे कनेक्ट करना पड़ता है, आप समझ रहे हो। तो टेक्निकली 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 6 मतलब 6 बजे में आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम पे अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मुझे टाइम लगता है वो चीज़ों में, आप समझ रहे हो ना। तो जब भी 5-10 मिनट अगर मैं आपको लेक्चर लेट लेता हूँ तो आप पूरे ऐसे गुस्से से बोलते हो ना, और जब लेक्चर लेते हो तो आप कितना अटेंड कर रहे हो, समझ रहे ना मैं क्या बोलता हूँ। कुछ चीजें समझो गाइस, है ना, कुछ चीजें आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए नहीं है, राइट गाइस। मैंने मेरे लाइफ में जितना भी एजुकेशन करना था मैंने कर लिया है, और आप नहीं तो और आगे अगले साल मेरे पास और बहुत स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं किया तो उसमें मेरा नुकसान है, नुकसान आपका ही उसमें, क्योंकि मेरी लाइफ तो मैंने बना दी है, मेरे को जो लाइफ में करना था मैंने कर दिया है। अभी मेरे को क्लास में जो भी करना है मैं कर रहा हूँ, मैं डेवलप हो रहा हूँ, मैं बेस्ट करूंगा, मुझे मालूम, मैं फोड़ दूंगा, मुझे मालूम मेरे में उतनी ताकत है, मैं उतना कर सकता हूँ लाइफ में, क्योंकि मेरे में उतनी विल पावर है। लेकिन आप लोगों के पास मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है यार क्या मतलब आपकी लाइफ है ना, ऐसा लगता है आपको कोई पढ़ने का कोई मतलब यही नहीं है ना, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है क्या तुमको। तो देखो मतलब आपकी चॉइस, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपका डिसीजन है, राइट। आज मैंने बोल दिया, आगे कम से कम मैं 20 से 25 दिन ऐसा टॉपिक भी नहीं छेड़ूंगा, सही है। आपको लेक्चर्स देखने आप देख सकते हो, आपको नहीं देखने आप नहीं देखो, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सही है। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी देखो जल्दी से फटाफट आगे, ठीक है। देखो क्या दिया यहाँ पे दोस्तों, अभी ना मैंने क्या, देखो मैंने सेल्स रिटर्न का तो यहाँ पे कर दिया, राइट। अभी देखो मुझे यहाँ पे परचेस रिटर्न का करना है, ठीक है। परचेस रिटर्न का कितना है दोस्तों, 3,500 है, सही है। ओके, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो परचेस रिटर्न को क्या करूंगा मैं, परचेस से माइनस करूंगा, वो मैंने कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान देना दोस्तों, अभी ध्यान देना, ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है आपका प्रोविडेंट फंड का। किसका एडजस्टमेंट बोला, आपका प्रोविडेंट फंड का एडजस्टमेंट है, ठीक है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों आप एक काम करो, मेरे लिए काम सुनो मेरी बात, ठीक है। एक काम करो दोस्तों, हाईलाइटर अगर आपके पास रहेगा तो प्लीज हाईलाइटर लो, और वहां पे ना आप क्या करो, जो भी आपका प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है ना इसको हाईलाइट करो, जो भी आपका प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इसको भी हाईलाइट करो, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है ना इसको भी हाईलाइट करो, इसको भी हाईलाइट करो, ठीक है। ये 3 चीजों को हाईलाइट करो, और चौथा है दोस्तों प्रोविडेंट फंड, इसको भी हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रहता है आपको मैं बोल दूंगा, ठीक है, क्या रहता है आपको मैं बोल दूंगा, सही है। अभी गाइस मैंने आपको ये चैप्टर के पहले एक एनपीओ नाम का चैप्टर सिखाया था, क्या सिखाया था बोला आपको मैंने, एनपीओ नाम का चैप्टर सिखाया था, राइट। और मैंने आपको एनपीओ नाम के चैप्टर में क्या बोला था रे, कि जो भी ये फंड रहता है, जो भी क्या रहता है बोलो, फंड, जब भी हमको फंड ये वर्ड आएगा तो फंड मतलब हमेशा अपना लायबिलिटी होगा, क्या सिखाया था बोलो मैंने आपको जल्दी से, एनपीओ चैप्टर मैंने आपको ये सिखाया था दोस्तों, कि जो भी आपका फंड नाम का वर्ड आएगा, ये फंड कोई भी रहने दो, फंड आपका हमेशा लायबिलिटी होता है, फंड हमेशा आपका क्या होता है बोलो, लायबिलिटी होता है, सही है। तो अभी ये जो भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है उन्होंने हमको यहाँ पे क्या दिया बोलो, प्रोविडेंट फंड दिया, क्या दिया उन्होंने जल्दी से हमको बोलो, जल्दी से यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दिया, क्या दिया बोलो हमको, प्रोविडेंट फंड दिया, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी प्रोविडेंट फंड है ना दोस्तों, जो भी क्या है बोलो, प्रोविडेंट फंड है ना दोस्तों, तो प्रोविडेंट फंड मतलब क्या रहता है समझ लो। देखो गाइस एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है वो एक्ट का नाम है दोस्तों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, क्या नाम है बोले जल्दी से, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, एंड कौन सा है बोलो, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 करके एक एक्ट है, एक कानून है। वो कानून में बोला गया है कि जो भी तुम्हारी फैक्ट्री है, जो भी तुम्हारे ऑफिसेस है, वो फैक्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अपन एम्प्लॉय बोलेंगे, राइट। तो एम्प्लॉय को अपन जो भी पगार देते, एम्प्लॉय को अपन क्या करते बोलो, जो भी पेमेंट देते, जो भी सैलरी देते, जो भी पगार देते, तो पगार में से कुछ पैसा हमको काटना पड़ता है, कुछ पैसा हमको क्या करना है बोलो, काटना है, और वो पैसा काट के हमको एक फंड में रखना है, समझा। तो ये जो भी फंड होता है ना दोस्तों, ये फंड ये हमारे एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है, ये फंड में जो भी पैसा लगाते हैं ना वो एम्प्लॉयर मतलब मालिक को भी लगाना पड़ता है, फॉर द एम्प्लॉयज, राइट, और एम्प्लॉय को भी लगाना पड़ता है, राइट। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तो जब भी दोस्तों हमारा एम्प्लॉयर या जब भी दोस्तों हमारा मालिक ये एम्प्लॉय के बिहाफ पे कुछ ना कुछ पेमेंट करता है, कुछ ना कुछ वहां पे फंड में पैसा डालता है, तो वो है ना एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर होता है, क्या होता है बोले, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर होता है, राइट। और जब भी दोस्तों
एम्प्लॉयर ये प्रोविडेंट फंड के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सही है। और ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी रहता है दोस्तों, ये हमारा जाता है, प्लीज ध्यान देना, ये हमारा जाता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पे जाता है बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, समझा? क्योंकि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है बोलो, एम्प्लॉय के लिए उतना खर्चा कर रहे, राइट? तो वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला, फंड मतलब क्या बोलो, लायबिलिटी। फंड मतलब हमेशा क्या रखना है बोला आपको, लायबिलिटी याद रखना है। फंड मतलब क्या बोलो, लायबिलिटी, सही है। अभी तीसरी बात, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या सर, तो ध्यान देना। देखो दोस्तों, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बात समझ लेना। क्या देखो, अभी हमारे एम्प्लॉयर ने क्या किया दोस्तों, हमारे एम्प्लॉयर ने जो भी प्रोविडेंट फंड है इसके अंदर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, राइट? अभी प्रोविडेंट फंड का जो भी पैसा होता है ना, वो एम्प्लॉयर को कुछ टाइम तक, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल जो भी टाइम रहेगा, वो टाइम तक एम्प्लॉयर को वो पैसा वो फंड में वैसा ही वैसा रखना पड़ता है, राइट? अभी जब भी दोस्तों वो पैसा हमारे फंड में वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, तो क्या वो फंड का कुछ यूज रहेगा क्या बोलो, कुछ भी यूज नहीं रहेगा। तो वो जो भी फंड का अमाउंट है दोस्तों, वो फंड का अमाउंट एम्प्लॉयर क्या सोचता है, एम्प्लॉयर सोचता है कि ये जो भी फंड में पैसा पड़ा है, वो पैसा फंड में पड़ने से मैं क्या करता हूं, कहीं पे तो भी पैसे से इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, क्या करता हूं बोलो, कहीं ना कहीं मैं उसका इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, राइट? समझ रहे हो? तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको क्या मिलता है बोलो, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट को अपन बोलते हैं दोस्तों इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सही है। अभी आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि जो भी आपने प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी आपने क्या किया था बोलो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपने कौन से पैसे में से किया था, तो आपने वो किया था दोस्तों प्रोविडेंट फंड के पैसे में से, कहां से किया था बोलो, प्रोविडेंट फंड के पैसे में से किया था, सही है। इसका मतलब दोस्तों जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमने प्रोविडेंट फंड के पैसे में से किया था, और ये पैसे के वजह से ही इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी हमको रिटर्न मिला, ये रिटर्न हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर का नहीं होगा, ये रिटर्न हमारा प्रोविडेंट फंड के इसमें ऐड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? क्यों? क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का मेन सोर्स ये क्या था बोलो, प्रोविडेंट फंड था, राइट? तो प्रोविडेंट फंड का अगर यूज करके अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको अगर कुछ रिटर्न आता है, तो वो इंटरेस्ट, वो जो भी रिटर्न है, वो हम प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करेंगे, वो हम प्रोविडेंट फंड में ही ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोविडेंट फंड हमारा लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी का पैसे का यूज करके हमने जो भी इनकम कमाया वो भी हमारा लायबिलिटी छोड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? इसलिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये आपका लायबिलिटी होगा। क्या होगा बोला आपका? ये लायबिलिटी होगा। आपके स्कूल में आपको क्या बोला रहेगा मालूम है क्या? आपके स्कूल में आपको कैसे पढ़ा रहेगा मालूम है क्या? प्रोविडेंट फंड है ना बच्चों, या लायबिलिटी में जाता, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, ये एसेट में जाता है ना, फिर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको प्रोविडेंट फंड में ऐड करने का। क्यों मालूम नहीं, ऐड करने का है ना। और दूसरा क्या, चौथा क्या बोला रहेगा उन्होंने आपको, बोले जल्दी से है ना, चौथा क्या बोला रहेगा बोले जल्दी से उन्होंने आपको यहां पे, और कौन सा छूटा मेरा, हाँ, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो एसेट में जाता है, ऐसे वैसे आपको स्कूल में पढ़ाया होगा, राइट? समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइज ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान में आ रहा है क्या? समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो जय माता दी, ठीक है? चलो ध्यान दो, अभी ध्यान दो। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो भी दोस्तों, वो कहां पे जाएगा बोलो, वो जाएगा अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सही है। तो मैं जाऊंगा दोस्तों बैलेंस शीट में, मैं जाऊंगा मेरे बैलेंस शीट में, वहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लिखता हूं, ठीक है? आप कितना इन्वेस्टमेंट किया देखो जल्दी से, मैंने यहाँ पे दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया फटाफट देखो, 42,000, राइट? ओके, 42,000 ठीक है ना? अरे यार क्या हुआ, नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने यहाँ पे, 8 लाख का किया बाबू, बड़े लोग है ना वो बोलते है ना, चलो 8 लाख आउटर में लिख देना, आउटर में लिख देना, ठीक है बेटा? ओके, आउटर में लिख दिया, 8 लाख आउटर में लिख दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, ये मैंने कर दिया। दूसरा क्या बोल रहे हो, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन कहां पे जाएगा? तो मैंने आपको क्या सिखाया था बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, नहीं सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अपना, 1 लाख है, राइट? तो 1 लाख कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो मैं जाऊंगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहां पे मैं लिखूंगा दोस्तों टू प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लिखूंगा बोलो, यहां पे 1 लाख लिखूंगा, कितना लिखूंगा बोलो दोस्तों, यहां पे
1 लाख लिखूंगा, समझा। चलो आगे आके देखो जल्दी से फटाफट, आगे क्या बोल रहा है देखो जरा। प्रोविडेंट फंड कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में, कितना है देखो जरा यहाँ पे 2,80,000, कितना है देखो जरा दोस्तों यहाँ पे फटाफट 2,80,000 है, राइट, यस और नो, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी लिखो, आप लायबिलिटी में लिखो जल्दी से यहाँ पे फटक करके, लायबिलिटी में लिखो जल्दी से फटक करके, क्या लिखेंगे बोलो, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना आएगा बोलो जल्दी से लायबिलिटी में दोस्तों, फटक करके बोलो। चलो ओके 2,80,000 राइट, इसको इनर कॉलम में लिखना क्योंकि इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, इसको इनर कॉलम में लिखना, सही है। और आगे क्या आएगा बोलो, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वापस बोल रहा गाइस, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका इनकम नहीं होगा, प्लीज गलती से भी अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में डालने का नहीं, गलती से भी मत डालना, ये गलती करना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप कहां पे डालेंगे बोलो, लायबिलिटी में ऐड करेंगे, समझा क्या, कितना ऐड करूं बोलो मैं, 42,000 ऐड करूंगा, तो यहां पे करूंगा ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, कितना बोलो 42,000, तो आउटर में कितना जाएगा दोस्तों यहां पे बोलो 3,22,000, आउटर में कितना जाएगा दोस्तों 3,22,000, समझू कि नहीं समझू, इजी क्या बोलो जल्दी से, यस और नो। चलो फटाफट आ गया, अभी क्या छूटा था, अरे मेरा मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। कैश इन हैंड लिखो और कैश एट बैंक लिख दो, ठीक है। कैश इन हैंड कितना है मेरा 40,000 और कैश एट बैंक कितना है मेरा 2 लाख, ठीक है। तो जल्दी से जाओ एसेट में, फटाफट फटाफट जाओ जरा एसेट में, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और यहां पे मैं लिखता हूं कैश एट बैंक, यहां पे लिखता हूं कैश एट बैंक, सही है। ओके कैश इन हैंड कितना है देखो जरा दोस्तों फटाफट 40,000 और कितना है 2 लाख, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं 40,000, यहां पे लिखता हूं मैं 2 लाख, ठीक है। दोनों का फिगर आउटर में फेंक दो यहां पे 2,40,000, दोनों का फिगर आउटर में फेंक दो 2,40,000, ठीक है। चलो आगे आगे देखो क्या बोल रहा है वो फटाफट। ड्रॉइंग्स, अभी ड्रॉइंग्स क्या करने का अभी ध्यान दो, सुनो यहाँ पे ड्रॉइंग्स जो भी हो कहाँ पे दिया है ट्रायल बैलेंस में दिया, तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पार्टनर्स के कैपिटल में जाऊंगा, पार्टनर्स के कैपिटल में जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा लेस ड्रॉइंग्स, यहाँ पे करूंगा लेस ड्रॉइंग्स, और यहां से भी करूंगा लेस ड्रॉइंग्स, दोनों इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर दूंगा, सही है। ओके नेने का कितना ड्रॉइंग्स देखो 20 और 15, राइट। चलो यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों 20,000 और 15,000, समझा क्या रे, इजी है के टफ है बोलो, इजी लग रहा है एकदम आपको, आई होप आपको बहुत इजी लगता होगा, ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से फटाफट, बैड डेट्स, अभी ध्यान दो, देखो आपके बैलेंस शीट में जो भी, आपके ट्रायल बैलेंस में जो भी बैड डेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड बैड डेट बोलते, राइट। चलो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, अभी आपको पता होगा अभी कैसे करना है, आपको आता होगा, राइट, है ना। चलो यहां पे लिखता हूं जल्दी से मैं दोस्तों, यहां पे लिखता हूं, चलो टू बैड डेट्स, कौन से बोलो, ओल्ड, ओल्ड बैड डेट्स को किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के इनर कॉलम में, कितना 3,350, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों 3,350, राइट। इसमें क्या करने का, न्यू बैड डेट्स को ऐड करेंगे, इसमें क्या करने का, न्यू बैड डेट्स को ऐड करने का, इसमें क्या करने का, न्यू आरडीडी को ऐड करने का, और क्या करने का, लेस ओल्ड आरडीडी, है ना। ओके ओके चलो तो ओल्ड आरडीडी देखो कितना दिया आपको यहाँ पे 3,700, राइट। तो चलो जल्दी से लिखो इसमें 3,700 माइनस करके छोड़ दो, ठीक है, इतना माइनस लिख के छोड़ दो, ठीक है। चलो अभी मेरा ट्रायल बैलेंस के जो भी एडजस्टमेंट थे वो सबके सब मैंने कर दिए, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस में जो भी एडजस्टमेंट थे, जो भी आइटम था, मैंने सबका सब कर दिया, ठीक है। अभी जल्दी से आ जाओ दोस्तों मेरे फटाफट एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया देखो 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया आपको 3,60,000, सही है। इसका क्या करेंगे बोलो, दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट करंट एसेट, सही है। चलो तो मैं जाऊंगा दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है रे, फिगर फिगर ही भूल जाता मैं, 3,60,000, राइट। यहाँ पे लिखता हूं 3,60,000, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे जाएगा बोलो, बैलेंस शीट के करंट एसेट में, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं लिखता हूं दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बोलो 3,60,000, यहाँ पे आएगा 3,60,000, समझा कि नहीं समझा, यस और नो। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखो जल्दी से फटाफट, आगे क्या बोल रहा है देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड सैलरी 2,000, राइट। तो क्या करने का, वेजेस में जाने का, जल्दी से जाओ वेजेस में, है ना, फटाफट जाओ वेजेस में, देखो जरा यहाँ पे करो ऐड आउटस्टैंडिंग, वेजेस में कितना आउटस्टैंडिंग था बोला अपना 3,000, राइट। तो यहाँ पे 3,000 ऐड कर दूंगा, इसका फिगर बाहर लिख दूंगा 13,000, है ना। और दूसरा क्या आउटस्टैंडिंग था बोलो, मेरा सैलरीज,
तो जल्दी से रहूंगा मैं सैलरीज में, यहाँ पे करूंगा एड, आउटस्टैंडिंग कितना बोलो 2000, इसका फिगर भी बाहर फेंक दूंगा। और इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे बोलो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जाऊंगा लाइबिलिटी में, यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। सबसे पहले कौन सा था मेरा, वेजेस था, और दूसरा कौन सा था बोलो, सैलरीज था। वेजेस कितना था बोलो मेरा 3000, सैलरी कितना था बोलो मेरा 2000, दोनों का फिगर बाहर फेंक दूंगा यहाँ पे 5000। समझा कि नहीं समझा रहे, यस और नो, इजी है ना एकदम, चलो बहुत अच्छा है। आगे ये हो गया मेरा पहला, हो गया यहाँ पे दूसरा हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएट मोटर व्हीकल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। चलो मोटर व्हीकल पे जाओ जल्दी से मेरे यारो, है ना, इसके ऊपर करो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ हाउ मच बोलो 5%, राइट। चलो 370,000 का 5% निकालो जल्दी से, 370,000 का 5% कितना आ रहा है मेरा, आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 18,500, राइट। इसका फिगर माइनस करो, बाकी का बाहर लिख दो, ठीक है। तो आएगा 351,500। और मोटर व्हीकल का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बोलो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन, किसके ऊपर बोलो मोटर व्हीकल। कितना बोलो जल्दी से दोस्तों, यहाँ पे कितना है बोलो जल्दी से मेरा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे 18,500, सही है, इतना समझा अच्छे से, यस और नो। चलो आगे फटाफट, है ना। चलो ये भी हो गया, राइट, बैड डेट्स, ओके। चलो अभी क्या करने का, सबसे पहले नए बैड डेट्स दिए, राइट, नए बैड डेट्स कितने दिए 5000 दिए, सही है। चलो अभी एक काम करने का, जल्दी से जाने का डेटर्स में, है ना, जल्दी से जाने का डेटर्स में, डेटर्स में जाके क्या करने का, पहले यहां से लेस न्यू बैड। अभी देखो ये क्वेश्चन में हमको कोई भी अनरिकॉर्डेड सेल्स या हमको कोई भी और कौन सा था पिछले इसमें बिल्स रिसीवेबल डिसऑन, ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए, राइट। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू बैड डेट्स को मैं माइनस कर दूंगा, न्यू बैड डेट्स को मैं माइनस कर दूंगा, राइट। तो बैड डेट्स कितने देखो न्यू वाला फटक करके 5000 है, सही है। चलो तो यहाँ पे मैं 5000 माइनस कर दूंगा, इसका जो भी फिगर है 4,45,000 इनर में लिखूंगा, ये मेरे आ जाएंगे गुड डेटर्स। ऐसे एग्जाम में लिखने के ना वो पगला जाएगा, ठीक है, तुम्हारा जो एग्जामिनर रहेगा वो पगला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुड डेटर्स लिखने का नहीं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, वो पागल हो जाएगा, वो मेरे पास थोड़ी ना पढ़ा है ना, येड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो इतना लिख लो सिर्फ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो, कितना है बोलो यहाँ पे लेस न्यू आरईडी करना है, लेस न्यू आरईडी करना है, कितना बोलो एट द रेट ऑफ 5%, राइट। तो 4,45,000 का कितना परसेंट बोलो 5% हमको करना है, इनटू 5% कितना आएगा दोस्तों 22,250 जाएगा, सही है। ये माइनस करके कितनी फिगर आएगी बोलो 42,2750 आएगी, सही है, ये आउटर में लिख दिया, ओके। अभी क्या करने का, चलो अभी ऊपर जाने का, किधर, यहाँ पे, और यहाँ पे सब फिगर लिखने के, कितना 22,250 आया था ना यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कितना था 5000 था, राइट। चलो अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये सबका कैलकुलेशन करके अगर फिगर पॉजिटिव आए तो कहाँ पे लिखो, कंटिन्यू वहां पे रहने दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रहने दो, और अगर फिगर निगेटिव आ जाए तो कहाँ पे लिखो, फिर क्रेडिट में लिखो, ऐसे मैंने आपको सिखाया था, राइट, ओके। यहाँ पे फिगर कौन सा आया बोले जिससे आपका पॉजिटिव आया, मेरा आया दोस्तों यहाँ पे 26,900, समझा क्या, आई होप आपको ये समझा होगा। अभी मैंने आपको बहुत टाइम इसके ऊपर डाला है, आई होप आपको अभी आना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड, इतना याद रखना, ठीक है। जो भी फिगर अगर पॉजिटिव आए तो डेबिट में, निगेटिव आए तो क्रेडिट में, ठीक है। चलो आगे फटक करके, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है वो, ये भी हो गया। आगे काने विड्रू 6000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, चलो जल्दी से जाओ, है ना। अभी देखो विड्रू ड्रॉइंग्स हुआ है, ड्रॉइंग्स हुआ, मैंने आपको कैसे कहा, जब भी ड्रॉइंग्स होगा तो क्या करने का, क्या करने का बोलो हमको, फटाफट बोलो। चलो ड्रॉइंग्स हो गया तो क्या करने का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखने का, राइट। पहला इफेक्ट तो यहाँ पे लिखूंगा बाय ड्रॉइंग्स, यहाँ पे क्या करूंगा बोलो, बाय ड्रॉइंग्स करूंगा, कौन लेके जा रहा बोलो, काने लेके जा रहा, सही है, ओके। कितने का बोलो 6000 का, राइट। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे बोलो, इसके काने के कैपिटल में जाने का, वहां पे लिखो लेस ड्रॉइंग्स, वहां पे लिखो लेस ड्रॉइंग्स, कितना बोले जल्दी से, यहाँ पे कितना हो रहा है बोले जल्दी से, यहाँ पे 6000, समझा कि नहीं समझा। एक काम करता हूँ गाइस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह है ना, नीचे लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मुझे प्रॉफिट वगैरह ऐड करना होगा ना, तो फिर वापस नहीं हो पाएगा, गलत गंदा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन से थे, मेरे वेजेस था, और क्या था मेरा यहाँ पे सैलरी था, कितना था बोलो वो 3000 एंड 2000, तो ये दोनों का फिगर मैं बाहर फेंक देता हूँ यहाँ पे 5000, समझा इतना। चलो अभी मेरे सब एडजस्टमेंट हो गए, सही है, सब एडजस्टमेंट मैंने कर दिए, मेरे को जितना भी करना था वो मैंने सब कुछ यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करूंगा, देखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है, ठीक है, फटाफट मैं करता हूँ। 8 लाख यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपका ग्रॉस लॉस आना चाहिए, राइट, मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है क्या, वेरी नाइस, ठीक है। चलो 8,35,000 प्लीज, क्या आ रहा है 3 लाख प्लस, क्या आ रहा है देखो 3,60,000 प्लस, क्या आ रहा है बोले यहाँ पे 6,000, राइट। तो माय टोटल विल बी हाउ मच गाइस, बोलो जल्दी से 12,01,000, राइट, ओके। ये सेम फिगर आप यहाँ पे भी लिखो 12,01,000 प्लीज, इसमें से आप क्या करो, ये आइटम माइनस कर दो सब, है ना। तो चलो माइनस 535,500
-6,37,000 -13,000 माय ग्रॉस प्रॉफिट विल बी गाइस 15,500 राइट. दिस ग्रॉस प्रॉफिट आई विल कैरी फॉरवर्ड टू क्या पे बोले जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन राइट. दिस ग्रॉस प्रॉफिट आई विल ब्रॉट डाउन टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आएगा बोलो 15,500 राइट. और इसमें से क्या करना है आपको टोटल लेना है जल्दी से ठीक है. प्लीज टेक टोटल 15,500 प्लस आपको क्या करना है यहाँ पे 950. ओहो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से लॉस आ रहा है नेट लॉस आ रहा है राइट. तो प्लीज टेक आपका जो भी प्रॉफिट है उसका डेबिट का टोटल प्लीज टेक फर्स्ट एंड देन डिडक्ट क्रेडिट वाला टोटल राइट. ओके तो 26,900 प्लस हाउ मच गाइस प्लस 1,00,000 प्लस हाउ मच बोलो 20,000 प्लस हाउ मच 800 प्लस हाउ मच 12,000 प्लस हाउ मच 52,000 प्लस हाउ मच 80,500. तो मेरा टोटल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 2,30,200 राइट. सेम टोटल आई विल राइट टू द डेबिट क्रेडिट साइड आल्सो राइट. इसमें से मैं क्या करूंगा आई विल डिडक्ट दिस टू अमाउंट्स राइट है ना. तो इसमें से 15,500 माइनस करूंगा माइनस कितना आएंगे बोलो 950 राइट. तो माय नेट लॉस विल बी हाउ मच बोलो 2,13,750 राइट. यहाँ पे बाय नेट लॉस लेकिन मैंने आपको क्या बोला नेट लॉस कहाँ पे जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ठीक है. अभी देखो ये क्वेश्चन में जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कौन सा था देखो यहाँ पे प्लीज 6:4 था राइट. मतलब जो भी ये लॉस है ना दोस्तों इसको मेरे को 6:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैसे करेंगे तो ध्यान देना कितना है आपका लॉस 2,13,750 राइट. 6:4 दोनों का टोटल कितना 10 × 6 किया तो किसका आएगा आपका ऊपर वाले का मतलब किसका नेने का है ना. और 2,13,750 डिवाइड बाय 10 × 4 किया तो आपका आएगा काने का राइट. चलो तो जल्दी से इसका मुझे बोलो फटाफट कितना आता है फास्ट कम ऑन आपको आना चाहिए ठीक है. मेरा इसका आ रहा है नेने का आ रहा है दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है. टाइम पास अभी मेरे को बोर हो रहा है वो ठीक है. यहाँ पे लिखता हूँ नेने का और यहाँ पे आपने मुझे आज बहुत नाराज कर दिया मैं आपको सच में बोलता हूँ ठीक है. आज आपकी वजह से मैं बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ राइट. चलो जाने दो कोई बात नहीं ना आपको तो पूरा अधिकार है ना मेरे को कुछ भी करने का ठीक है. चलो कोई बात नहीं ठीक है. चलो अभी ये लॉस है तो लॉस की वजह से कैपिटल क्या होता है बोलो कम होता है राइट. तो मैं जाऊंगा कैपिटल में यहाँ पे करूंगा माइनस नेट लॉस माइनस क्या करूंगा बोलो यहाँ पे नेट लॉस करूंगा सही है. ओके चलो काने का कितना था बोलो इसका नेने का कितना था बोलो 128,250 लॉस है मतलब क्या करने का माइनस करने का है ना. ओके और इसका कितना है बोले दोस्तों इसका माइनस नेट लॉस कितना है माइनस नेट लॉस कितना है बोले इसका ये चिंटू का कितना है 85,500 राइट. चलो दोनों माइनस करो सबके कैपिटल जो भी हो बाहर फेंक दो राइट. तो 15,00,000 माइनस कितना आएगा बोलो 20,000 माइनस 1,28,250 है ना माय कितना आएगा बोले यहाँ पे 135,1750 राइट. ओके वेरी नाइस. चलो वैसेज काने का प्लीज टोटल लो कितना आएगा 1,00,000 प्लस कितना आएगा माइनस कितना आएगा बोलो 15,000 माइनस कितना आएगा बोलो 6,000 माइनस कितना आएगा बोलो 85,500 राइट. तो मेरा यहाँ पे आएगा 8,93,500 सही है. चलो बहुत आया ठीक है. अभी क्या करना है आपको प्लीज इसका टोटल ले लो लायबिलिटी का एंड प्लीज चेक वेदर योर बैलेंस शीट गेट टैली और नॉट टैली ठीक है. प्लीज आप इतना देखो मुझे बोलो आपका टैली हो रहा है या नहीं हो रहा. मेरे हिसाब से तो होना चाहिए गाइस क्योंकि अपन जब भी कोई भी अकाउंट्स का सॉल्व करते हैं ना तो अपन साइमल्टेनियसली हर एक इफेक्ट डबल इफेक्ट जो भी देना पड़ता है वो हम दे देते राइट. तो मेरे हिसाब से मैं बैलेंस शीट टैली होना चाहिए मेरा बैलेंस शीट टैली होना तो चाहिए है ना. टोटल कुछ रुको एक मिनट मैं कैलकुलेट करता हूँ 1,351,750 प्लस 8,93,500 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 3,00,000 प्लस 2,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,22,000 यस मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे माय बैलेंस शीट टोटल इज 30,24,250 अरे अरे कितना गंदा लिख रहा हूँ ना मैं नहीं इतना गंदा नहीं लिख सकता है ना अच्छा लिखना पड़ेगा राइट 3,024,250 राइट. ये मेरा टोटल आ गया सही है. और इतना ही एसेट में आता है देखो आना तो चाहिए मेरे हिसाब से आना तो चाहिए. पता नहीं क्या होगा अभी है ना टेंशन आ जाता मेरे को भी बैलेंस शीट टैली करना बोले ना कभी कभी. वैसे बैलेंस शीट टैली करनी नहीं होती है वो हो जाती है राइट है ना. बैलेंस शीट टैली करनी नहीं होती है वो हो जाती है मेरे हिसाब से तो भी राइट. चलो देखते फिर भी अपन एक बार इतने कॉन्फिडेंट तो नहीं रह सकते एक बार देख लेते. यस मेरा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 3,024,250 राइट. चलो तो मेरा टैली तो हो गया गाइस आपका टैली हुआ के देख लो आप प्लीज उतना ठीक है ना. आपको अच्छे समझा क्या बोलो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो क्या आपको अच्छे समझा क्या कोई दिक्कत अरे यस और नो कोई दिक्कत क्या बोलो जल्दी से यस और नो प्लीज मुझे बोलो कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक बोलो जल्दी से गाइस यस और नो समझा कि नहीं समझा
आई होप आपको समझा होगा, ठीक है? यस और नो? आपको समझा होगा, ठीक है? चलो तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, राइट? अगर एक आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? मैं अगर देखो आपको आया तो प्लीज कर लेना होमवर्क, ठीक है? आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, प्लीज आप ट्राई करो, आपको आ जाएगा, मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है? मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप एक होमवर्क ले लेना, उसको आप ट्राई करो, ठीक है? रुको जरा, दे रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन में, सही है? ओके, प्लीज टेक गाइस, प्लीज टेक, एक मिनट, ओके दोस्तों प्लीज एक काम करो, आप इलस्ट्रेशन नंबर जो भी 10 है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 10, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा आज का, ये सेम टू सेम वैसा ही जैसे आपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व किया था, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 10 विल बी सेम टू सेम डिक्टो है ना, सिर्फ एखादा एडजस्टमेंट हार्डली अलग रहेगा, उतना एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, राइट? एखादा एडजस्टमेंट सिर्फ अलग रहेगा, और एडजस्टमेंट कौन सा अलग है वो बोल दूं क्या आपको मैं इसमें? देखो ये वाला एडजस्टमेंट अलग है, यहाँ पे गुड्स वर्थ रुपी 8,000 वेयर परचेज एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट? तो इसका आपको क्या करना है बोलो, परचेसेस में बढ़ाना है और क्रेडिटर्स में बढ़ाना है, क्या करना है आपको इसका? परचेसेस में बढ़ाना है, क्रेडिटर्स में बढ़ाना है, ठीक है? प्लीज इतना ट्राई करो, इतना सॉल्व करके लाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 विल बी योर होमवर्क, ठीक है? प्लीज आप इतना देख के आओ, आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको इसमें मजा आएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको प्रोविडेंट फंड का भी एडजस्टमेंट दिया है तो आपको आता है, राइट? है ना? तो ये क्वेश्चन में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था बोलो, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो है आपकी, यहाँ पे मशीनरी, एडिशनल मशीनरी यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल अपन मिलेंगे 6 बजे, ठीक है? बाय बाय, टाटा।